सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट में तुमको रिवीजन कर करवाएगा कि कल क्या पढ़ाया था, ओके? उसके बाद वी विल मूव अहेड। आ जाओ, सबसे पहले मैं ऑनलाइन में स्वागत करना चाहूंगा अमित सर का, अदिति, अरुण, अरुणा, आस्था, दीपा मैम, देवांशी, मुस्कान, निशी, प्रभु, प्रियंका, राहुल, रोहित, समीर, सुयाज, विनीत यादव। विनीत, ये आपका, आपने कल का लेक्चर नहीं बैठा है ना? ठीक है, चलो, गुड आफ्टरनून। वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट ना मैं पूरा रिवीजन सब करवा के दे रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद वी विल मूव अहेड। सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैं चालू जब ये किया था तुमको बोला था ये चैप्टर बहुत बड़ा, ऐसा 3 पार्ट में बोला था, एक पार्ट इसको बनाओ, पार्ट टू कराओ, पार्ट और ये सेम है, ये सेक्शन भी अलग ही है। कहाँ से चोरी करके लाई? देना देना, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मैं बच्चों को बोलता हूँ नोटबुक बनाना। कुछ बच्चे इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो लोग रजिस्टर ही बना लेते हैं। ये लड़की जिसमें अटेंडेंस लिखते ना, तूने टीचर का लेके आएगा चुरा के? अच्छा, घर से चुराए। सॉरी। चलो, तो सबसे पहले मैं टॉपिक जो B1 का पहला टॉपिक था जिसके रिटर्न आज ये खत्म हो जाएगा विद इंक्लूडिंग सम सम्स आल्सो। ओके, शेयर होल्डर्स रिटर्न दो टाइप का होता है, कैपिटल रिटर्न और एक होता है इनकम रिटर्न। कैपिटल रिटर्न में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होता है। समटाइम्स तुमको मैंने ये भी बोला था कैपिटल रिटर्न कैन गो निगेटिव। 100 का शेयर लिया अगर वो 90 रुपए का हो गया तो ऑब्वियसली तुम्हारा कैपिटल रिटर्न निगेटिव ही आने वाला। इनकम रिटर्न कभी निगेटिव नहीं आएगा। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि तुम कंपनी को पैसे दो, बोलो ए ले तू मेरी तरफ से डिविडेंड है, नहीं, कंपनी ही तुमको देगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही देने वाला। दोनों को आप जब मर्ज करते हो तो जाके बनता है वो शेयर होल्डर रिटर्न। शेयर होल्डर रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला ये था, क्या था, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू, ये था। ओके, चलो ये पार्ट इंटू 100, वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तू नहीं होती तो मैं क्या करता। ओके, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कुछ भी बोला, सबसे पहला असम्पशन तुमको ये लेने का है, कभी भी तुमको परसेंटेज दिया हो दिस शुड ऑलवेज बी पर एनम बेसिस। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि तुमने सिक्योरिटी को होल्ड सिर्फ 6 महीने के लिए किया है, देन आपको उसको एनुअलाइज करना पड़ेगा। मैंने ऐसे एनुअलाइज मतलब मल्टीप्लाइड बाय जो भी फैक्टर, अगर हाफ ईयरली बोला तो मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर क्वार्टरली बोला तो 4। रोहित, जैसी जो स्लाइड आया ना तेरे डाउट का, मेरे को बोला रोहित। हाँ सर, जैसी जब मैं जो भी स्लाइड में देख रहा हूँ जहां पे देखो डाउट था मेरे को पूछना। चलो, नेक्स्ट इज स्टेटेड रेट। स्टेटेड रेट क्या था कि मैंने एक डिबेंचर या बॉन्ड लिया 6% में लिख के देता हूँ। क्या स्टेटेड रेट में एडजस्टमेंट होते हैं क्या? नहीं, दीज आर विदाउट एडजस्टमेंट, उसके बाद एडजस्टमेंट होता है। फिर तुमको एक बताया था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, उसमें इतने को ये बोला था कि 10,000 मेरे को मिला लेकिन उसमें से मेरे को कुछ खर्चा करना पड़ा, सो आइडियली मैं 10% ही दे रहा हूँ, बट एक्चुअली मेरी जेब से 10% नहीं, 10% से ज्यादा जा रहा है। हाँ सर, ये डाउट था। हाँ सर, अगर डिबेंचर्स हमने लिया तो ऑब्वियसली उसमें से स्पेंड तो करेंगे ही ना, और स्पेंड करने के लिए लिया है तो फिर वो परसेंट इंक्रीज क्यों हो रहा है फिर? अरे बेटा सुन, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कंपनी, ध्यान से सुनो, मैं कंपनी हूँ, मैंने डिबेंचर इशू किया मतलब मैंने लोन इशू किया और तूने मेरे को पैसे दिए, रोहित ने मेरे को 10,000 दिया, इतना डन? यस सर। रोहित को मैं बोला कि रोहित मैं तेरे को 10% दूंगा, तो मेरे जेब से इनिशियली कितना गया? 1,000 rupees। 1,000 नहीं दे बेटा, 10% ना, 10%। बट रोहित मैं ना कंपनी है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस 10,000 को कमाने के लिए मेरे जेब से कितना परसेंट गया। तो तू रोहित समझा, मेरे कंपनी के जेब से 10% नहीं जा रहा है, 10% तो बेसिक अमाउंट है जो मैं तुझे दूंगा। तू समझा? नहीं समझा, नहीं समझा सर। 10% मिला तेरे को, हाँ, बट क्या मेरी जेब से सिर्फ 10% गया? 10% दे रहा था, 10% ही जाएगा ना सर। अरे सुन, तू 10,000 दिया, हाँ, मैं 10% दिया, हाँ, बट तेरा जब पैसा मेरे को, तेरा पैसा लेने के लिए मेरे को 750 खर्चा करना पड़ा और 500 रुपए और खर्चा करना पड़ा, तो तू समझा, 1,000 तो मैं तेरे को दूंगा ही लेकिन साथ ही साथ मेरा 750 और 500 रुपया एक्स्ट्रा भी तो गया ना, तेरे ऊपर नहीं गया, लेकिन मगर मुझे 10,000 चाहिए मेरे को, तो मेरे को ये कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तू बस ये समझ कि ये जो ये 10.43 आया ना, दिस इज नथिंग बट अ कॉस्ट टू द कंपनी। कंपनी की तरफ से 10% गया, समझा? ये तुझे नहीं, तुझे यू आर गेटिंग 10% ओनली, समझा? लेकिन मैं ऐसा कंपनी क्या बोल रहा हूँ, शिट यार
10% तो वो है ही, लेकिन साथ में अब तू ये एक बात समझ, ये जो 1.43% आया ना, दिस इज एडिशनल कॉस्ट व्हिच आई हैव इनकर्ड. हाँ क्लियर सर. तुझे 10% ही मिलता. हाँ 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 क्लियर सर. सुन सुश्रेयस ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमेशा कंपनी के एंगल से देखने का. वेरी गुड सुश्रेयस, गुड बॉय. चल सर एक क्वेश्चन है सर, फेस वैल्यू बेसिकली क्या होता है? फेस वैल्यू का देखो सर, फेस वैल्यू मैं आगे सब बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ. लेट्स से 1000 शेयर्स लिखा है किसी, जब आप इशू कर रहे हो तो बोलते हो इसका दाम $1 होगा. ये इसको ना रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोलते. मतलब आप जब ये लिखा हुआ अमाउंट है, अब माइट बी पॉसिबल जब आप इसको इशू करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन, इधर यू विल इशू एट पार, इधर यू विल इशू एट प्रीमियम, और इधर यू विल इशू एट डिस्काउंट. मतलब यू हैव टू कंपेयर दिस पार्ट वैल्यू. इसको बुक वैल्यू भी बोलता है, मतलब जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड एक पे ही करोगे वो आगे आएगा सर. अभी तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी में आपको सब पढ़ाऊंगा. ओके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया, नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट. ये क्या था मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट, तुमने सम सॉल्व किया था तो इसमें तो कुछ भी नहीं. लेकिन याद रखना, अगर ऊपर पर शेयर तुम ले रहे हो तो नीचे भी पर शेयर ही लेना, अगर टोटल अमाउंट ले रहे हो तो नीचे भी टोटल, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होना चाहिए. इफेक्टिव एनुअल परसेंटेज, ये तुमको मैं पता था 10% था, लेकिन ये तुमको सेमी एनुअली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है. तो क्या करने का, अगर दो बार दिया तो डिवाइड बाय टू, लेकिन टर्म पड़ेगा. क्वार्टरली हुआ तो डिवाइड बाय फोर और रेज टू फोर, पावर फोर आ जाएगा. ओके चलो इतना हो गया था. फिर बाद में बहुत अच्छा टॉपिक था, DUNS करके पढ़ा था, डाइवर्सिफाइड इज अनसिस्टमैटिक एंड नॉन डाइवर्सिफाइड इज अ सिस्टमैटिक रिस्क. ओके सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा होता है जो पूरे कंपनी पूरे मार्केट पे छाया हो, लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो क्या होता है, फर्म स्पेसिफिक होता है. अगर फार्मा है तो ऑटोमोबाइल पे इफेक्ट नहीं आएगा. ओके कौन से में तुम शेयर चेंज कर सकते हो, मतलब डाइवर्सिफिकेशन किस में, डाइवर्सिफिकेशन किस में अलाउड है, सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक? अनसिस्टमैटिक में. अनसिस्टमैटिक में ना, अनसिस्टमैटिक में डाइवर्सिफाई तुम कर सकते हो ना, बिकॉज फर्म स्पेसिफिक है. डीमार्ट के शेयर डाउन हुए तो टाटा मोटर्स के शेयर ले लो. अनसिस्टमैटिक कंपनी के ऊपर रहता है ना यार, सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क होता ना. क्या मजाक कर रहे, रिवीजन नहीं किया तुम सर? जो कोविड आया इज अ सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क यस सर ऑफ कोर्स, लेकिन कोविड आने के बाद ना सम और द अदर ऐसा हो गया ना कि कुछ सिक्योरिटीज भाग रहा था फार्मा सब. हाँ फार्मा सेक्टर ऑब्वियसली, लेकिन मैं उसको सिस्टमैटिक रिस्क ही मानता हूँ क्योंकि सब डाउन थे. करेक्ट. क्रेडिट रिस्क पैसा लेके भाग गया. फॉरेन एक्सचेंज तुमको कल बताया था, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, जब तुमने बिल बुकिंग किया जब तुमको पैसा मिला तो कम मिला, विच इज बैड. एक इसको और एक नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन रिस्क. अभी आगे और बढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन, बस याद रखना ऐसा कुछ था. ओके इंटरेस्ट रिस्क कल ही अपना बात हुआ, 5% है और 3% है. तो मैं पहले रोएगा, मैं इशू किया 5% पे, मार्केट दे रहा सिर्फ 3%, मतलब आई एम पेइंग मोर एज अ कंपनी, बट एज अ इन्वेस्टर मेरे लिए भी रिस्क है क्योंकि मैंने बॉन्ड लिया 10% का लेकिन मार्केट दे रहा है 12%, तो ये मेरे लिए भी रिस्क है. इंडस्ट्री रिस्क पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कैन आई से इंडस्ट्री रिस्क इज अ टाइप ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क? यस सर. कैसे कैसे बच्चे मिले हैं ना मेरे को. अभी एक लड़की बैठी है इधर पे, ठीक है, मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ. तनीषा नाम की लड़की, मतलब वो समझो कि बस वो शुक्र मनाओ वो सिर्फ लड़की, अगर लड़का होता तो मैं रोज इसको टपली मारता. हाय सर. हाँ हाँ जैसे तू. हाँ सुनना, तो अभी वो बैठी है तो मुझे, मेरे को लगा वो जब मैं पूछा उसको तो वो मुंडी हिलाई की ऐसा जैसे अंडरस्टूड. उसने मेरा 2 मिनट तक शक्ल देखा, फिर मैं वो क्या पूछी पता है, सर चार्जर दो. बताओ ऐसे ऐसे तो बच्चे मेरे पास, मैं ऐसे ऐसे लोग को झेलता है. अभी देखो ऐसे ऐसे बच्चे, इसको क्या बोले, मेरा भाई है. चलो पॉलिटिकल रिस्क. ओके तो पॉलिटिकल रिस्क क्या बोला था, करप्शन है तुम्हारा, आज मैं तुम लोग को छोड़ रहा हूँ बिकॉज मेगा ब्लॉक है इसके लिए. अगर तुम लोग घर से लेट निकला है चुप रहे. चलो पॉलिटिकल रिस्क, करप्शन, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स अ फॉरेन करेंसी, इनकन्वर्टेबिलिटी ऑफ द फॉरेन करेंसी, वॉर अमेंडमेंट ऑफ द करेंसी लॉज. चलो अब तुम्हारा चालू होता है एक्चुअली चैप्टर. ओके रिस्क अवर्स क्या होता है, ऐसा बंदा जिसको रिस्क कम चाहिए और रिटर्न्स भी कम चाहिए. अगर किसी आदमी का रिस्क अवर्स हाई है तो मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, हमेशा रिस्क कम हो और रिटर्न्स भी कम मिलेगा, चलेगा. ओके अभी किसी का बोलता है रिस्क अवर्स लो है तो वो रिस्क सीकर, वो जानबूझ के ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डालेगा जिसका
जिसका रिस्क हाई होगा और रिटर्न भी हाई होगा. ओके एग्जाम्पल किसका दिया था, कॉमन स्टॉक का. इक्विटी शेयर रिस्क अवर्स इसका बहुत लो होता है. रिस्क न्यूट्रल वो बंदा होता है, रिस्क रिवर्स रिस्क न्यूट्रल वो बंदा होता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, उसको इन्वेस्ट करने का तो करेगा, वो रिस्क देखता ही नहीं. ठीक है चलो सर. वही यहाँ पर भी डाउट था मुझे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिस्क सीकर और रिस्क न्यूट्रल. रिस्क सीकर मतलब जानबूझ के हाई रिस्क वाले में डालेगा पैसा, और रिस्क न्यूट्रल देखता नहीं है. रिस्क सीकर बोलता है चल डाल दे यार, मतलब बहुत पैसा, अनगिनत पैसा, जैसे रोहित रेड्डी. समझा तुम? ये तो चुप क्यों गया रे? तारीफ हो गई ना, मैं चुप हो गया, शर्मा गया मैं. इन्वेस्टर विल डिमांड हाई रिटर्न्स फॉर टेकिंग हाई हाई रिस्क. ओके चलो आगे. मतलब बीप, अरे नहीं देवांशी बीप ही नहीं बोल सकता वो मतलब सर, बोल रिस्क रुकना एक से रोहित रुकना मेरे को, मैं देवांशी का आंसर दे रहा हूँ. देवांशी सिंह ब्रेक इवन पॉइंट. देवांशी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पे हम लोग सिंपली पता है क्या क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं एफडी में भी पैसा डाल सकता हूँ, मैं कॉमन स्टॉक में भी डालूंगा. आई एम अ रिस्क न्यूट्रल, मतलब मुझे ना इस मोमेंट पे रिटर्न से मतलब है. मैं पैसा डाल रहा हूँ. अब मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ. व्हेन आई वाज परचेजिंग सॉरी मैं रेंट पे जब प्रॉपर्टी देख रहा था अहमदाबाद में, उधर के लैंडलॉर्ड का एक सिंपल सा हिसाब था. अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी अगर 50 लाख में खरीदा है, दे आर वेरी वेरी मतलब कंसर्न कि मेरा 10% मेरे को मिलना चाहिए. बस उनका सिंपल सा हिसाब है 5 लाख रुपया ईयरली मेरे को चाहिए. अब तुम दो या मत दो, मैं 5 के नीचे जाऊंगा नहीं, इसके ऊपर रहेगा तो मैं 5 लाख में आ जाऊंगा. तो समझा, मैं आई एम वेरी कंसर्न अबाउट 10%. और मैं ऐसा भी बन रहा हूँ कि मेरे पास पैसा है तो मैं 12% में भी डाल दूंगा, जिसका रिस्क बहुत ही हाई है. या तो मैं ऐसा बन रहा हूँ कि मेरे को कुछ पोर्टफोलियो ऐसा बनाने का है जहां पर मेरे को रिस्क ही नहीं चाहिए, तो मैं एफडी में भी डाल दूंगा. तो आई एम अ रिस्क न्यूट्रल, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता रिस्क से. देवांशी तेरा डाउट अभी क्लियर हुआ? रोहित तो कुछ बोल रहा था, बोल. मैं वही पूछ रहा था कि रिस्क न्यूट्रल मतलब देखते नहीं कि रिस्क कितना, उनके पास बहुत पैसा है, और रिस्क सीकर देखते हैं क्या? रिस्क सीकर कुछ लगाते हैं क्या कि इतना तक तो रिस्क चाहिए? हाई रिस्क जानबूझ के ऐसे सिक्योरिटी, जैसे अपना हर्षल मेहता. ठीक है चलो, अब भी जर्नी चालू होता है तुम्हारा एक्चुअल चैप्टर का. इसमें क्या बोला था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. सबसे पहले तुमको पढ़ाया था मैं आरएफ. आरएफ एक ऐसा सिक्योरिटी होता है जिसमें मार्केट में ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, तो इतना तो छाप के आएगा. पहले एक बात बता, क्या आरएफ सिक्योरिटीज में रिस्क होता है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, तो आरएफ में अगर रिस्क नहीं होता है, जरा सोच के आंसर देना, आरएफ सिक्योरिटी का बीटा क्या होता होगा? जीरो. कल ही बता रहा था, बराबर. मार्केट का बीटा कितना होता? 1:1. सुपर, क्या पढ़ाता हूँ मैं यार. ऐसा लगता है मैं टीचिंग का भगवान हूँ. बहुत हो गया. अच्छा, रेट ऑफ मार्केट इज अ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? रिक्वायर्ड. रेट ऑफ मार्केट जो होता है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मालूम है ना, एक्सपेक्टेड होना चाहिए. एक्सपेक्ट नहीं बाबा, एक्सपेक्टेड तो सीएपीएम से निकलता है ना. ये तो मेरा डिमांड है कि मेरे को 10 मांगता है, ये रिक्वायर्ड भाई. पब्लिक एक्सपेक्टेड बेटा सीएपीएम मॉडल से आया था ना. एक्सपेक्ट कैलकुलेट होता है, रिक्वायर्ड मैं सोचता हूँ. हाँ मतलब इतना मैं छापू तो बेटा सुनना, कल ही बता सुन 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 कल का याद है क्या? इट इज अजम्पशन. ये आर एम है मेरा. एक्सपेक्टेड वो है जो मैं सीएपीएम मॉडल से निकालता हूँ. एक्सपेक्टेड इज कैलकुलेटेड नॉट एक्चुअल. सो ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट मेरी बात सुनो. कभी भी यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट हाउ मच एक्चुअल यू आर गोइंग टू गेट. बराबर है? तू सोच रहा है 13% मिलना चाहिए. तूने कुछ एनालिसिस किया, सीएपीएम मॉडल लगाया, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आगे बहुत सारा आएगा. ओके गॉर्डन्स मॉडल ये सब है, ग्रोथ मॉडल बहुत सब है. लेकिन अभी तुमने क्या सीखा? सीएपीएम. तुम सोच के चल रहे थे कि 13% तो मेरे को सिक्योरिटी देगा. दैट वॉज योर थिंकिंग. बट जब तुम एज अ एनालिस्ट दिमाग लगाया तो तुमको पता चला यार एक्सपेक्टेड रेट मेरे को 12 ही मिलेगा. समझ रहे? रिक्वायर्ड मतलब विदाउट ब्रेक, एंड एक्सपेक्टेड मतलब आफ्टर अप्लाइंग सम मेथड. अभी एक मेरी बात सुन, एक और चीज आएगा जो आएगा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो देखो एक्चुअली मिला. आज के लेक्चर में पता मैं क्या सिखाऊंगा तुमको ना, मैं ये बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड रेट और एक्चुअल रेट को भी कंपेयर करना पड़ेगा तुमको. एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज तेरा एक्सपेक्टेड रेट 12% आया. सुन ध्यान से मैं क्या बोलूँ.
12% आया और 13 को रिटर्न्स 14% मिला एक्चुअल एक्चुअल बता बना प्रॉफिट है. बट मैं तुमसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? सोच के आंसर देना. फिर से सुन तेरा खाएगा मैं आंसर मत देना, फंसोगे तुम लोग. एक्सपेक्टेड रेट 12% बट तेरे को जो एक्चुअल रिटर्न जो तेरे जेब में आया वो 15% है. माई क्वेश्चन टू यू इज, जो सिक्योरिटी में तुमने पैसा डाला है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? सोच के आंसर देना. एक काम करो, वोट हो जाए, चैट बॉक्स पे आ जाओ सब लोग, चैट बॉक्स पे भेज दो. हाँ मैं तुम लोग को अभी उसमें लिखे रुको, मैं म्यूट कर दो ताकि मैं ऑफलाइन का तुमको आवाज नहीं सुना पाऊं. सबका आधा आधा आया, पूरा 50-50 आया आंसर. चलो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ. जय तू चालू कर. जय सिंह अंडर वैल्यूड, आई वांट टू लिसन हिज रीजन, बोल. अंडर वैल्यूड इसलिए क्योंकि उसका जो एक्चुअल में इज्जत है, मतलब अपन हम लोग ने जितना कैलकुलेट करके निकाला ना आना चाहिए था, बट उससे ज्यादा है. इसका मतलब अंडर वैल्यूड, उसका इज्जत मतलब ज्यादा है, बट उसका इज्जत ज्यादा है ना. हाँ तो मार्केट में इज्जत कम है. नहीं उसका इज्जत ज्यादा हो गया ना. उसका इज्जत ज्यादा, तूने प्रेडिक्ट किया था 12, उसका इज्जत अच्छा है कि नहीं जो तू एक्सपेक्ट करता था 12%, यू गॉट 15%. चल समझ ले कैपिटल रिटर्न, कैपिटल इनकम रिटर्न नहीं है, कैपिटल रिटर्न. 20 रुपए का सिक्योरिटी था. मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ जो जय बोल रहा है. अभी पहले जय क्या बोला पता है? फिर से बोले एक बार. उसका इज्जत है मार्केट में. हाँ हम लोग ने, लेकिन एक्चुअल उसका इज्जत बहुत ज्यादा है. अभी प्रॉब्लम क्या पता है? तू एक ही मिस्टेक कर रहा है, तू अपने हिसाब से देख रहा. यू आर नॉट कंपेयरिंग विद द मार्केट. तुमको समझ है वो क्या सोच रहा है? वो अपना ये बोल रहा है कि मेरा जजमेंट रॉन्ग है, इसके लिए मैं उसको अंडर वैल्यूड बोल रहा हूँ. तू समझ है तैयार थिंकिंग उल्टा है पूरा. मार्केट से कंपेयर करते. चलो अभी मेरे को ओवर वैल्यूड का कोई बंदा चाहिए, प्लीज स्टार्ट. कोई भी ओवर वैल्यूड ऑनलाइन को बहुत देने दे. ऑनलाइन में कोई भी एक बंदा जिसने ओवरवैल्यूड आंसर दिया. अरे इतनी लोग ने आंसर दिया, कोई तो होगा. रोहित तू अंडर बोला था या अंडर बोला था? ठीक है, तू करना चाहेगा एक्सप्लेन ये? सर वही सेम बोलता मैं जो अभी किसने सेम बोला था. अच्छा हाँ मुस्कान. अभी सर मेरा रीजन ये है कि मेरा जो मार्केट का वैल्यू था उससे मुझे ज्यादा मिला रिटर्न, तो ये तो ओवर वैल्यूड है अगर मैं मार्केट से कंपैरिजन कर रहा हूँ. सुपर. अब मेरी बात तुम लोग समझो. एक्सपेक्टेड रेट तुमने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया कुछ ना. जब तुम ये कैलकुलेट करते हो, और ऐसे कैलकुलेट करने वाले बहुत लोग होते हैं, CFA होते हैं, मार्केट एनालिस्ट होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होता है, अपने हिसाब से तुम मार्केट में वैल्यू सब कर लेते हो. बट द प्रॉब्लम इज क्या मालूम है? जो तुम्हारा मार्केट है ना वो तुम्हारे नक्शे पे काम नहीं करता है. उसका सीधा हिसाब है भाई, जो डिमांड एंड सप्लाई होगा मैं इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाऊंगा. अब एक बात बताओ, तुमने एक्सपेक्ट किया था, लेट्स अज्यूमिंग ये कैपिटल रिटर्न है मेरा, तुम्हारे हिसाब से आया था 12%, बट एक्चुअली ये तो 15% पे आया ना. मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन 12% का, 12% होना चाहिए था, बट एक्चुअली तुमको 15% पे लाके खड़ा कर दिया. मतलब जो तुम वैल्यू सोच रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू उसका आ रहा. तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? yeah. बता बना, जो तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा तुमको रिटर्न्स मिल रहा है. मतलब यानी कि सर बेस मुझे एक्सपेक्टेड रेट लेना पड़ेगा, करेक्ट? सुपर सर, यस. यहाँ पे जो अभी इससे पहले जो एक जेंटलमैन ने बोला था वो ये अज्यूम कर रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट किया 12%, रिटर्न मुझे मिल रहा है 15%, तो इसका मतलब अंडर वैल्यूड है, मैंने कम कैलकुलेट किया उसका. उससे ना अपने एंगल से सोचा कि
कि मैंने अंडरवैल्यू किया, उसका मतलब अगर आप देखोगे तो उसका भी आंसर राइट है, हमारी साइड से अंडर वैल्यू है बट मार्केट के हिसाब से इट इज ओवर वैल्यू, लेकिन मुझे उसने मार्केट को बेस ले लिया, उसे मार्केट को बेस लिया सर, बट हम कल सोच रहे थे वो हमारा शेयर अंडर वैल्यूड हुआ। नहीं 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 नहीं, मैं कब बोला ऐसा यार, मैं तो इसकी बात कर रहा भाई, अंडर वैल्यू किधर किधर पढ़ाया था मैंने अभी तक, तो आज ही बम बात हो रहा है, तुमको समझा मैं क्या बोला? अब एक बात सर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हाँ सर बोल। सर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमने 12% एक्सेप्ट किया है, तो हमने कम एक्सेप्ट किया है और मार्केट में वो ज्यादा हुआ, तो सेम चीज जैने बोला, तो समझी सेम चीज उसने ही बोला। तुम लोग का थिंकिंग राइट है बट तुम लोग अपोजिट साइड से सोच रहे हो, थिंकिंग इज एक्यूरेट, तुम लोग यही बोल रहे हो ना कि हमने अंडर वैल्यू किया, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट इस केस में तो मार्केट का देखने का, मार्केट क्या कर रहा है, शेयर्स अंडर वैल्यू कर रहा है, सॉरी ओवर वैल्यू कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू सिक्योरिटी होता है ना कभी वो जाके मार्केट में रेक्टिफाई होने वाला, वो हो ही जाता है। तुमको अभी लग रहा है अंडर वैल्यू मतलब ओवर वैल्यू, किसी शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ, ओके तो क्या करेगा पता है, प्राइस डिक्रीज करने के लिए ना पीपल विल सेल। अरे भाई मार्केट में तोड़म तोड़ लोग बैठे, अपन कुछ भी नहीं उन लोगों के सामने सर, वो टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं ना वो लोग, वो टेक्निकल, वो अभी एक बात बता, अभी तुम लोग ने अगर वो देखा होगा ना ये स्कैम, उसमें जो क्या उस सतीश कौशिक का क्या क्या नाम होता है, बियर गैंग, बियर या बियर उनका नाम क्या, बहुत मस्त नाम है, मनी बेन या मानिक पता नहीं कौन था, वो सीधा बोलता है अगर जिसने ये अगर सिक्योरिटी अब जिस टाइम पे करना चाहेगा ना हर्षल मेहता, सीधा सेल करना चालू कर, वो क्या करता है पता है, हर्षल मेहता क्या करता था, मार्केट शूट करता था और ये मार्केट डाउन करता था, आगे जाके मैं सब बताएगा शॉर्ट सेल किसको बोलते हैं, ये सब क्या बोलता है, आई होप कोबरा बोलते थे, बराबर ये सब बताएगा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है बट मम्मी कसम खा के बोलता है मैं बना देगा इसको इंटरेस्टिंग, तो बोलेगा इसके तो तेरे पास पड़ा था, तो पागल था, हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन था, एक ज्यादा बोल दिया। चलो पहले एक बात बताओ, बीटा समझता है क्या होता है, 10 पॉइंट बढ़ा बीटा वन, मैं तेरे को जान मुझ के देख, 10 पॉइंट बढ़ा 5 पॉइंट बढ़ा बीटा इज 1.5, बीटा अगर मार्केट 10 पॉइंट बढ़ा तेरा 10 पॉइंट डाउन हो गया -1। कल हिमांशु सर ने वही बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, यस ये पॉसिबल नहीं सर, मुझे इंटर्नशिप इक्विटी एनालिसिस में मिला तो मुझे नॉलेज मिल रहा है, अरे वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो पहले ये सब ओवरऑल सिस्टम स्टॉक इंडेक्स सब बता दिया था, बराबर अग्रेसिव इन्वेस्टर क्या करेगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा डालेगा जिसका बीटा इज मोर देन 1, बराबर जो डिफेंसिव होगा वो बोलेगा भाई मेरे को टिक 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 करके खेलने का, मार्केट का बीटा 1 होता है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा ही नहीं होता है 0, ये प्रूव करने के लिए मैंने तुमको सम सिखाया था, देखो डायरेक्शन सेम है, अगर तेरा बीटा 1.5 मार्केट 1% से डाउन हुआ तेरा सिक्योरिटी 1.5% से डूबेगा, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सर ये जो बीटा का वैल्यू निकाला आपने -1, ये डिवाइड करके कुछ निकाला या फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है? बीटा का वैल्यू कभी निकालना नहीं होता, ये अपने पोर्शन में नहीं है, ये सिर्फ सीएफए और सीए फाइनल में आता है, अपने को वो सब नहीं है पोर्शन, आपको बीटा हमेशा ये समझना है कि बढ़ा तो ग्रेटर देन 1, घटा तो लेस देन 1, करेक्ट, लेकिन सर आपको इस मोमेंट पे घटा क्या मानना पता है, ये फॉर्मूला आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा, खत्म, ठीक है, इसके ऊपर आज कम से कम मैं 8-9 सम्स लूंगा और ये सम्स रिटायर्ड आईएमए क्वेश्चन से जो अपने क्वेश्चन बैंक में नहीं है, मैं भी से बता देता हूं, ओके दीस आर द एडिशनल सम्स व्हिच आई हैव टेकन टू टीच। हां सर जैसा आपने कल बताया था बीटा भी देते हैं कंपनीज उनके शेयर्स के ऊपर, तो जो आरएफ है रिस्क फ्री ये भी देते हैं ना, देते होंगे ना? नहीं नहीं रिस्क फ्री तो तुझे मिलेगा ना, जैसे इंडिया में ना अपना इंडियन गवर्नमेंटल बॉन्ड्स होता है, ओके इंडिया का ना गवर्नमेंटल बॉन्ड्स होता है तो उसका रेट अभी ना कुछ 6.3 चालू है, तो दिस इज आरएफ फॉर यू, मतलब इतना तो मिलेगा ही, तो कोई भी बैंक में एफडी डाल तेरे को उस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नीचे वो नहीं मिलेगा, तो वो बेस रेट होता है कि इतना तेरे को कोई भी सिक्योरिटी देके जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी तू इंडिविजुअल है, अभी तू सोच रहा है कि तेरे को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है, तो तेरे मन में अभी क्या पता है आरएफ भाई फिक्स डिपॉजिट कितना देगा, पैसा उसमें डूबने वाला है क्या? नहीं डूबने वाला, और तू 6% से ज्यादा ही कहीं कहीं कमाएगा ना,
बराबर है, इट इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विद द सेफ्टी, इसके लिए उसको आरएफ बोलते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स। समझा क्या बेटो? सर जैसे कल आप बोल रहे थे ना, मतलब रिस्क मार्केट, वो सम्स दिखाओ ना 2 मिनट, ऊपर सम्स जो किए ना, ऊपर सम्स किए ना हमने, हाँ वो स्लाइड जरा दिखाओ। हाँ, जैसे इसमें देखिए ना, आपने दिखाया है कि रिस्क फ्री लास्ट वाला मुस्कान पे 20% है, सॉरी रिक्वायर्ड मार्केट है 20% आरएम, और रिस्क फ्री 8%। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो सिक्योरिटी है ना वो 8% से रिस्क फ्री दे रहा है। ए भाई नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, रिस्क फ्री इज अ कॉमन, अभी ये 6 को कंपेयर मत करना, मेरे को सम चेंज करने का था इसके लिए मैंने लिखा, मतलब मुस्कान कहीं भी जा रही ना उसको मिनिमम 6% तो मिलने वाला ही विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, मतलब दैट इज अ रेट ऑफ रिटर्न व्हिच विल नॉट टेक एनी अमाउंट ऑफ रिस्क, तो उतना तो कमा के तो जाएगा ही, दैट इज कॉल्ड एज आरएफ, विदाउट टेकिंग रिस्क हाउ मच यू कैन अर्न, दैट इज नोन एज आरएफ। अरे बेटो ओके सर, यस चलो आ जाओ अभी या प्रभु, और एक प्लेटफॉर्म शुरू कर दो सर, स्टॉक मार्केट के बारे में कमा देंगे हम। नहीं यार, मैं बताया, मैं अपने आप को इतना स्मार्ट नहीं समझता कि मेरे को ये सब आता है। एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो सर, आपको बहुत नॉलेज है। मेरे को अभी ना आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग एक्सेल, बिकॉज मेरे को एक्सेल बहुत अच्छा आता है, लेकिन साला टाइम का ही कंस्टेंट है यार। ठीक है सर, मतलब मैंने जो केपीएमजी में 6 साल काम किया ना, मतलब आई नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, ये बीआईवीआई तो अब भी आया, मैं जब 19 साल का था तब भी मैं डैशबोर्ड बनाता था, मैं स्लाइजर करके काम सर, वो टिक वही है सर, हम भी एक्सेल, हमारा एक्सेल की ये काम है सर, डेटा निकालो मैनेजमेंट का, तब वो साथ में पढ़ाते हैं। हाँ सर, चलो एक चीज सिखाना है मेरे को आपको, इधर कुछ चीजें मैंने कॉपी करके रखी है। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, इससे कुछ ज्यादा ये मिलने नहीं मिलने वाला है, बट ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो तुमको सिखा रहा हूं ना, इट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये ग्राफ है, ये क्या तुमको एग्जाम में ना ये पूछ सकता है, ऐसा डायग्राम देगा और पूछेगा ये क्या क्या दिया है बता मैंने, तो तुमको बोलने का ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, एकदम सिंपल है, समझो सिक्योरिटी मार्केट लाइन में इसको एक्स बोलते बता ना, इसको वाई बोलते, वो तुमको पूछेगा सिक्योरिटी मार्केट लाइन में सिक्योरिटी मार्केट लाइन में एक्स एक्सेस क्या होता है, तो बोलने का बीटा बीटा। अब एक मेरी बात समझ, इफ योर बीटा इज जीरो देन ऑब्वियसली तू कम से कम रिस्क फ्री रिटर्न तो लेके जाने वाला ही है, क्या बोलता है, हाँ है ना, उतना तेको मिलने वाला ही, दैट इज बेसिक। इफ यू नोटिस मेरा आरएफ के नीचे जा ही नहीं रहा, तो रोहित जो अपना बात हुआ था तेरे को अभी समझ में आया, उतना तो रोहित तेरे को मिलना ही मिलना है, इसके नीचे तू जाएगा ही नहीं, यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क बट यू आर गेटिंग समथिंग। रोहित वाह, यस सर, बराबर। अब मेरी बात सर, मेरा क्वेश्चन मतलब ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई सिक्योरिटी हमें 20% से रिटर्न दे रही है तो वही बता दे कि अगर आपका रिस्क फ्री इतना रहेगा, ऐसा मुझे लगा। नहीं, बहुत लॉन्ग अप्रोच था, नहीं। अब मेरी बात सुनो, अगर बीटा वन है, अगर बीटा वन है देन यू आर गेटिंग योर आरएफ, मतलब इतना तेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन एक और चीज समझ, अगर मेरा बीटा यहाँ पे 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, तो आई एम, जो भी मेरे को मिल रहा ना ये उससे कम है थोड़ा, देखना बराबर ना, मार्केट का बीटा इज 1, अगर मैं बीटा 0.5 ले रहा हूँ सो मैं जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे आई एम अर्निंग लिटिल लेस, इनको समझा। लेकिन अगर मैं किसी सिक्योरिटी में बीटा 2.2 ले रहा हूं, देन ऑब्वियसली मैं रिक्वायर्ड रेट रिटर्न से ज्यादा छाप रहा हूं, तुमको समझा। और एक चीज पक्का तुमको मालूम है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम किसको बोलते हैं, आरएम माइनस आरएफ। इफ यू नोटिस मैं इतना छाप सकता था, बराबर ना दीप, मैं इतना छाप सकता था बट मैं इतना और छाप रहा हूं, ये देखो ये मैं क्यों छाप पा रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम टेकिंग रिस्क, इफ आई एम टेकिंग द रिस्क जो भी मेरा ये पोर्शन आ रहा है दैट इज माय रिस्क प्रीमियम, ये समझ में आया क्या, दैट इज माय रिस्क प्रीमियम, पक्का ये मन में कोई डाउट है, मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं ठीक है, इतना समझा।
को हवा चाहिए क्या, तो ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि एकदम टेंशन में मार खा के आया कहीं से? नहीं ना सर, बोलना अभी आप रिस्क रिस्क की बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो रिस्क क्या है, रिस्क क्या है बताते होते थे 0.56 प्लीज बोल। क्या हो सकता है? अब मैं क्या बोला, ऐसे मैं रोहित को भी क्या क्या समझा कि देख रोहित इतना तो तेरे को मिलने वाला ही, अभी देख बीटा जीरो है, बीटा जीरो मतलब रिस्क ही नहीं है, तो उसमें तू 6% तो वैसे भी छाप छाप रहा है। अब रिस्क कैन बी एनीथिंग ना, देख एफडी तेरे को 6% दे रहा है, लाइफ टाइम 6% दे रहा है, तू मार्केट में क्या करो पैसा डाला, ऑब्वियसली यू वांट टू, यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 6%, बराबर? तो ऑब्वियसली कोई भी तो सिक्योरिटी में डाल रहा है तो उसका बीटा जीरो से ज्यादा ही होगा ना यार, क्योंकि वो मार्केट है, तो तुझे उसमें पैसा डाला, तो व्हाट यू आर टेकिंग रिस्क ना, क्योंकि वो प्राइस जाने की बजाय प्राइस डाउन भी तो जाएगा। एक सिक्योरिटी 20 रुपए का लिया है तो मार्केट में कुछ उसका न्यूज आ गया और उसकी सिक्योरिटी डाउन। अभी बीच में मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, अदानी पोर्ट पे 6 महीने पहले की बात है, अदानी पोर्ट पे ना ड्रग्स मिला, पब्लिक अदानी पोर्ट का शेयर बेच रहा था, सिर्फ बेच रहा मार्केट, तो ये रिस्क ही हुआ ना एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, नो डाउट इट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, रेक्टिफाई हो सकता है। मेरे पास भी अदानी पोर्ट था उस टाइम पे, 10 शेयर थे मेरे पास, 7,000 का इन्वेस्टमेंट था, बट मैंने कुछ नहीं किया उसको, मैंने बोला ये अदानी है, सब चंगा सी का हाथ है भाई, कुछ नहीं होने वाला, मैं होल्ड किया, लेकिन वो शेयर्स डाउन जा ही देते, समझा रिस्क है ना। अगर तू ये एफडी में डालेगा तो अगर कोई थोड़ी देर बोलेगा कल तेरा बैंक बंद हो जाएगा, अरे कैसे बंद हो जाएगा रे, फिर भी एक्सप्रेशन लेस है भाई, तेरे को समझा मैं क्या। यस सर आपका 0.5 है, हम लोग जो इन्वेस्ट किए ठीक है 0.5 जो काम है हम लोग को रिस्क फ्री रेट, मतलब रिस्क कुछ नहीं, करेक्ट, लेकिन जो 0.5 से 1 का है वो हम लोग उतना कमा सकते थे उसे, ऑब्वियसली करेक्ट ना। अभी देख जीरो में रिस्क नहीं है, लेकिन अब तेरे को शॉक चढ़ा नहीं, अब मैं 0.5 पे जाऊंगा बीटा पे, तो 0.5 पे आरएफ तो नहीं मिलने वाला तेरे को ना, आरएफ तेरे को हमेशा जीरो पे ही मिलेगा, करेक्ट ना। तो सर ये 1 से लेके 2 वाला जो रेट है, मतलब जो 1 से लेके 2 के बीच में हम लोग को जो प्रॉफिट में मतलब जो मिल रहा है वो क्या होगा, वो भी तो हाई, तो रिस्क कितना लिया ना, तो भाई वही देख कल ही अपने को पता चला सब सिक्योरिटी का बीटा सेम नहीं होता, टीसीएस का 1.7 था, था जबकि अदानी पोर्ट्स का 1.75 था, तो तेरे को अगर अच्छा पैसा छापने का तो अदानी पोर्ट में डाल, लेकिन उतना रिस्क भी तो है, बराबर ना। अभी आगे बढ़ू मैं, अच्छा ऐसा कर तू, चलो किसी को अभी डाउट कोई नहीं, चलो एक चीज अपन नट्टा मारेंगे अभी, आ जाओ। अगर जो तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट है, मुझे एक बात बताओ रिक्वायर्ड रेट कल क्या बता रहा है, इसको क्या लिखेंगे अपन, आदम लिखेंगे, बराबर है आदम, ये नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलत 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 गलत, एक अभी तुमको एक चीज बताया मैं, एक्सपेक्टेड रेट, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड रेट है ओके, और एक तुमको बताया एक्चुअल रेट। एग्जाम्पल ले रहा हूं, सुनो ध्यान से, लेट्स से योर एक्सपेक्टेड रेट इज 10%, बट योर एक्चुअल रेट इज 12%, योर शेयर्स आर अंडरवैल्यूड या ओवरवैल्यूड? ओवरवैल्यूड, ओवरवैल्यूड, चलो मैं लिखता है बाद में, इफ इट इज 12% एंड योर एक्चुअल रेट इज 10% अंडरवैल्यूड, ठीक, ओवरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड, क्या बोलता है पब्लिक, समझा गया ये, ठीक है। चलो एक बात बताओ, ये पोर्शन में नहीं है बट मैं तुमको जानबूझ के सिखाना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गिव यू आधा गया, मेरे को वो नहीं चाहिए कि बुक में इतना ही लिखा है तो मैं इतना ही पढ़ा। अब मुझे एक चीज बताओ ना, सपोज आई वांट टू रेक्टिफाई द प्राइस, रेक्टिफाई मेरे को करने का, तो मैं क्या करूंगा बोलो, अगर ओवरवैल्यूड है देन रिड्यूस द प्राइस, प्राइस कैसे रिड्यूस होगा, सेल ज्यादा करो वो आगे सब आएगा, अगर अंडर वैल्यूड है तो प्राइस इंक्रीज करो, अपने हाथ में नहीं मतलब एक एज अ थ्योरी मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, परचेस परचेस, बराबर। ये तुम्हारा ना इतना पोर्शन खत्म हुआ, अब भी पूरा नया टॉपिक चालू होता है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस, ओके कैलसी का काम लगेगा बट आराम से कुछ चीजें बता रहा हूँ सुनो।
न्यू टॉपिक वी आर स्टार्टिंग पोर्टफोलियो. ये बी टू नहीं है, अभी भी बी वन में ही है, अभी तक बी वन में ही है. आएगा 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 मेरे बच्चों, आएगा. क्या बोल रहे हैं? हाँ, पोर्टफोलियो एनालिसिस. ए स्केल तो कल किसने मेरे को स्केल दिया था, वापस लिया ली वहीं पे. पोर्टफोलियो एनालिसिस. चलो सबसे पहले मैं कुछ चीज तुमको मैं लिख के दे रहा हूँ, वो लिख के दूंगा इसके बाद भी बिल्कुल. अ ग्रुप ऑफ लिख मत तुझे डाइवर्सिफाइड एसेट्स क्रिएटेड टू मिनिमाइज द रिस्क. मैं सब एक एक लाइन सब अच्छे से बताऊंगा. अ एफिशिएंट पोर्टफोलियो provides two things. Number one, maximize returns at given level of risk. Minimize risk at given level of returns. कुछ चीजें आराम से मेरे को तुमको समझाना पड़ेगा. पहला, एक वर्ड उसे यूज किया है, ग्रुप ऑफ अ डाइवर्सिफाइड एसेट्स. व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफाइड? बिकॉज आज मेरा कोई सिक्योरिटी है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब इंडिया यूक्रेन का वॉर हुआ, एफडी वाले जो बंदे थे सबके सब खुश थे क्योंकि उनको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जो बाकी लोग थे वो लोग बेचारे दुखी क्योंकि शेयर मार्केट पूरा डाउन है, तुम्हारे पोर्टफोलियो की वाट लगी पड़ी है. अब तुमको क्या करना पड़ता है मालूम है? अभी जैसे ना, तुम लोग कभी म्यूचुअल फंड देखना, ये आगे आएगा टॉपिक में बताऊंगा मैं. म्यूचुअल फंड में एक फंड होता है, इसको बोलते हैं लिक्विड फंड्स. एक ऐसा फंड होता है जो सेम लाइक एफडी रिटर्न्स तुमको देता है, एफडी से थोड़ा ज्यादा है, बट इसमें एक चीज अश्योरिटी होता है कि तुम्हारा कभी डाउन नहीं जाएगा. बराबर ना, ये कभी तुम्हारा डाउन नहीं जाएगा. लेकिन समटाइम्स एक फंड होता है जिसको इक्विटी फंड बोलते हैं. इक्विटी फंड क्या होता है कि अगर मार्केट अप जा रहा है तो तुम्हारा भी सिक्योरिटी बढ़ेगा. समझा? मार्केट अप गया क्योंकि देख, अगर मैंने 10 शेयर्स लेके खरीदे, ओके, जस्ट समझ, मेरे पास HDFC है, मेरे पास इंफोसिस है, मेरे पास TCS है, हर एक सेक्टर का अलग अलग. मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, प्लीज मेरे को हेल्प करना कोई. एग्जाम्पल, बैंकिंग में HDFC से शाम, ओके, FMCG अगर रिटेल में ले तो डीमार्ट है, अभिनी सुपरमार्ट, ऑटोमोबाइल टाटा मोटर्स, ओके, कुछ भी ले ले, या तो सुजुकी का भी अच्छा खासा नाम. तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ध्यान से मेरी बात समझ, कि अगर कल को इंफोसिस के शेयर डाउन गए, समझा, मेरे पास ये टैलेंट होना चाहिए कि इंफोसिस का बेच के मैं डायरेक्टली किसी दूसरे शेयर्स में परचेज कर लूं, मतलब कॉम्पनसेट करने के लिए अलग. अरे सेम इंडस्ट्री में काय को डालेगा? सेम इंडस्ट्री. हाँ देख, इंफोसिस डाउन गया, अगर देखो लगता है कि लेट्स से पटनी कंप्यूटर्स इज डूइंग गुड, यू कैन ट्रांसफर इन दैट. बट लेकिन एक बात बता, अगर उस इंडस्ट्री पे बात आई है तो सब पे इम्पैक्ट आएगा यार, धीरे धीरे सबको वो लपेट ही लेगा अपने में. तुमको समझ रहा है? तो तुमको ये समझा कि डाइवर्सिफाइड एसेट क्यों किया, एक का लॉस कोई दूसरा बंदा सेट ऑफ कर देगा उसको. डोंट कीप योर एग्स इन वन बास्केट. ये म्यूचुअल फंड का एक कॉमन सेंटेंस, डोंट कीप योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट. किसका जोकता है बास्केट वाला? बास्केट का साइज थोड़े सर हिमांशु सर, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा ना, yes, इन्फ्लेशन देखा है आपने, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक? Yes, now I have seen it. अच्छा आपने देखा, उसमें पता है एक लड़की ने डाउट पूछा था कि बास्केट का साइज कैसे इंक्रीज हो जाएगा, बास्केट तो उतना ही होगा ना. ऐसे से बच्चे सर 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 मेरे पास
हाँ बोलना, आपने बताया कि लिक्विड फंड्स है जो कि कभी नीचे जाता ही नहीं, तो वो लोग ऐसी कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जाता ही नहीं? एक काम करो पोर्टफोलियो में, अब वो बोलोगे ना थोड़ा सब बताएगा, सब आएगा आएगा आएगा। अभी बेसिक्स में तुम लोग मेरी इतनी वाट लगा दिया, मैं तो आगे डर रहा हूं चैप्टर में क्या क्या पूछोगे तुम लोग। हाँ बोलो। आपने एग्जांपल एग्जांपल दिया था कि हम 12th में 85% ला रहे पर हमारा इंग्लिश में कम है, तो पूरा पोर्टफोलियो का आपने ऐसा एग्जांपल समझाया था इजीली। हाँ बताएगा, मैं सेंटेंस ही लिखा है अभी तक, अभी इस पे डाउट चालू हो जाएगा तो क्या करेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो लोग मेरे से ऐसा डाउट पूछते हो, तुमको कोई अगर आदमी पीपीटी से पढ़ा था तुम लोग पूछता कैसा डाउट, हम जाते ही नहीं क्लास है ना, इधर पे लोगों को कदर ही नहीं है मेरी। सब लोग अपना ही सर है, अपना ही सर है। चलो, ग्रुप ऑफ डाइवर्सिफाइड एसेट क्रिएटेड टू मिनिमाइज द रिस्क। ऑब्वियसली मैं रिस्क कम ही कर रहा हूँ। अभी जो मैंने दो लाइन लिखा ना, सर ध्यान से पढ़ना, पोर्टफोलियो में क्यों बना रहा हूँ, पॉइंट नंबर वन, आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई रिटर्न बाय टेकिंग गिवन लेवल ऑफ रिस्क। दो चीज कर रहा है, मतलब तू समझना, रिटर्न मैक्सिमाइज हो रहा है, रिटर्न मैक्सिमाइज हो रहा है और मेरा रिस्क जो है वो कम हो रहा है, बराबर है। और दूसरा उसको क्या रखना पड़ेगा कि मेरे को रिस्क मिनिमाइज करने का है लेकिन मेरे को रिटर्न्स मेरे को ज्यादा चाहिए। इफ यू नोटिस दोनों स्टेटमेंट सेम लिखा है लेकिन रिटर्न की जगह पे रिस्क है, रिस्क की जगह पे रिटर्न है। देख उसने क्या बोला, मैक्सिमाइज कर रिटर्न, और इधर भी रिटर्न बोलता है गिवन लेवल पे सेम ही होना चाहिए। मिनिमाइज रिस्क कर, रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, रिस्क कम हो तो भी रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। पोर्टफोलियो का वही वही काम। अब मैं तुमको पोर्टफोलियो का ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आराम से समझ लूँ। रुको, आई हैव सम, मैं लिखता हूँ वही सब तुमको सिखा दूंगा। चलो एक मिनट, चलो ओके मिल गया। सपोज चलो दो, मेरे को दो लोग चाहिए, विंडोज जनरल ऑटोमेटिकली टर्न ऑन बाय। हाँ बोल सर, मेरे को ये पूछने का था कि अगर मैक्सिमाइज रिटर्न है तो मतलब रिस्क कम होगा और मिनिमाइज रिस्क मुझे कम, सुन रहमत, मुझे करना पड़ेगा कम, मतलब मुझे ऐसे सिक्योरिटीज चूज करने पड़ेंगे जिसका रिस्क कम हो। ओके, तो फिर इसका जो रहेगा जो दूसरा वाला है मिनिमाइज रिस्क, उसमें अपने को सिक्योरिटी ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें रिटर्न अपने को ज्यादा मिले, राइट? सुपर, मतलब सुनना, मतलब देख, अगर एक बात बता, एज अ पोर्टफोलियो अगर तू एक शेयर मतलब इन्वेस्टर है तो क्या ऐसी सिक्योरिटी परचेस करेगा क्या, सबकी सब सिक्योरिटी, सुन ध्यान से, जिसका बीटा वन। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम इन्वेस्टर हो, क्या तुम ऐसे सिक्योरिटी में पैसा डालना चाहोगे जिसका सब शेयर का बीटा वन हो? मरोगे तुम, मरोगे तुम, क्योंकि पूरा अगर बीटा वन है, मार्केट अगर शूट हुआ तेरा पोर्टफोलियो शूट है, लेकिन मार्केट अगर डाउन गया तो भाई ये आप बोल रहे हो, कोई और है, आपका माइक छा चालू है, लेंथ और है, देख टेबल पे वो आएगा हमारे। हिमांशु सर आपका माइक चालू है, चलो अब मैं ना कुछ चीजें बता, सुन, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एक मिनट, ये निशी है, एक इन्वेस्टर है निशी और एक जेंसी है, ओके, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते है ना निशी? निशी बोलेगी सर आप तो मार खाओगे, मुझे भी मार खिलवाओगे। एग्जैक्टली। चल, इन्होंने, इन दोनों ने ना कुछ सिक्योरिटीज परचेज किए, ए बी सी डी, ओके। अभी जो निशी है ना, उसने क्या किया बताया, उसने उसका रिटर्न तुमको बताता, ओके। अरे रे, ये क्या नीचे लिख दो क्या, सु बोलियो, क्या बोला, बाजू में, लिख दो, चलो ये तेरा सिक्योरिटी है, ये रिटर्न है, ओके। तो ये जो सिक्योरिटी है ना, उसको सिक्योरिटी ये 6% देगा, 4% देगा, ये 2% देगा,
और उसको assumption है कि D उसका loss में भी जाएगा, हो सकता है ना भाई, उसका expected returns ऐसा निकल रहा है, उसको लगता है -2% ये डूबेगा, अब तो ये मत बोलना तो कैलकुल बेच दो, अरे अभी थोड़ी, अभी का मैं हाल बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से उसको एक्सपेक्टेशन है कि ये 2% उसका लॉस में जा जाएगा। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, उसके पास ना प्रोबेबिलिटी भी है, उसको 6% रिटर्न मिलने का कितना परसेंट चांस है, तो वो बोलती है 10% चांस है। उसको 10% चांस है कि 6% मिलेगा, मतलब उसको 90% ये भी चांस है कि 6% से ऊपर नीचे भी मिल सकता है। नेक्स्ट है 40%, फिर नेक्स्ट है 40%, फिर नेक्स्ट है 10% चांस है कि उसको -2% मिलेगा, मतलब तुम समझ रहे हो, वो जानबूझ के ऐसे रिटर्न्स निकाल रही है कि जिसको अभी देख -2 उसको 10% ही लगता है, मतलब उसको 90% ये भी चांस है कि 2% से नीचे भी जा सकता है या तो पॉजिटिव भी मिल सकता है। अब भी के लिए उसका एक्सपेक्टेशन कितना है, सिर्फ 10%, बराबर है। तो मैं अभी क्या निकाल रहा हूँ बता, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार एक्सपेक्टेड रेट निकाल कितना होगा, कितना एक्सपेक्टेड रेट निकले, तो एक काम कर 6 × 0.10, 10% is 0.10, बराबर ना, तुमको मिलेगा 0.6, 4 × 4, 1.6, चेक कर भाई, कैल्सिक भाई उठा, कैल्सिक घुमा, 1.6, 0.8%, ये 0.2% आएगा लेकिन माइनस, इसका मेरे को टोटल चाहिए, कितना 2.8, 2.80, सुनो मेरी बात, अब तुमको एक चीज समझा, ये जो रिटर्न्स आता ना, ये जो रिटर्न्स आया, ये जो ए बी सी डी उसका सिक्योरिटी था, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, टोटल टोटल जो सिक्योरिटीज होता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियोस। ये जो 2.8% आया इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। ये सर आया कैसे, ये एक्सपेक्टेड रेट 0.6, 1.6, 6 × 0.10, ये परसेंट में था ना, प्रोबेबिलिटी 6 × 0.10, 4 × 0.40, 2 × 0.4, ओके ओके सर। अभी लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ऑफ जेंसी, जेंसी ने क्या किया, कुछ सिक्योरिटीज उसने ऐसे परचेस किए, शी परचेसेस पी क्यू, होता है ना समटाइम, हंसता क्या तुम लोग, सिक्योरिटी रिटर्न, आपको जल चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए, तो अब क्यों मचल रहे हो इतने आंगन, तू ऐसे ऐसे वर्ड बोलता ना कि मैं माइक पे भी नहीं बोल सकता, मैं अंगड़ाई ले रहा था, सेवेंथ ओशिट में बोल दिया। चलो सुनना, अभी जेंसी ने एक ऐसा सिक्योरिटी लिया है जिसका पी का रिटर्न 7% है, 5% है, आज उसको लगता है 0% में मिल सकता है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी है, अभी प्रोबेबिलिटी सब बाकी है ना, कि उसको कितना परसेंट चांस है ऐसा लगता है कि ये होगा, बोल, कुछ नहीं मिलेगा उसको, ऐसा उसको लग रहा है कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि उसने 25% सब में डाला है पैसा, 25%, 25%, 25%, चलो एक्सपेक्टेड रेट निकालो, कैसे निकालोगे, अगर आप बार बार कैलकुलेट कर रहे हो तो पोपट हो तुम, 0.25 लो, हाँ वही आपने आपने क्या किया था, हाँ तो वही कैसे बोला तुमने, 0.25 × 7 = 0 = माइनस में आएगा, चलो इसका टोटल आएगा 2.75%। अब मुझे एक बात बताओ, किसका पोर्टफोलियो इफिशियंट है, क्या इतना सोच क्या था उसमें तुम, ये इसका क्या, ये उसका नाम है निशी नाम है। उसका पोर्टफोलियो मतलब उसने अच्छे से मैनेज किया,
नंबर्स पे मत जाओ, ये नंबर्स उल्टा अभी 6% थोड़े यार, पीपल विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि 20 तो मिलेगा, बराबर नंबर्स पे मत जाओ, बट इसने पोर्टफोलियो डील अच्छा किया है, पहले ये सबको समझ में आया क्या, बराबर है पूरा पेजेस मिस हो गया। चलो एक सेकेंड ना, आई हैव रिटन समथिंग मोर ऑल्सो फॉर यू। क्या हुआ मुझे कुछ कुछ पूछ रहेगा, बोल बोल। लेकिन 75% उसका थिंकिंग कुछ और भी है, समझा ना, समटाइम्स वे वेट भी लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट मैंने डाला है, बट अभी तो अब तुम लोग बस ये समझो कि ये प्रोबेबिलिटी इतना उसने लिया। अब मेरे को कुछ और चीज तुमको सिखाना है, जरा मेरा साथ देना एक मिनट। सर बोल, वो जरा कैलकुलेशन था ना, जरा ये वाला बताओ ना, 1.25 वाला जो 5% पे था। चल चल कर कर 0.25 ले कैलसी पे इनटू इनटू 7 इक्वल टू ना। इसने क्या पूछा मेरे को पता है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। अब पता है मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आया था कैल्सियम आंसर। हां वो आ गया सर। फिर पाई इक्वल टू, समझ गया, थैंक यू सर। आई हां वो मल्टीप्लिकेशन और मैं उल्टा कर रही थी। ठीक है चलो। अच्छा सुनो ना, अभी जैसे जस्ट पूछा है कुछ, चलो अभी जैसे अपना जस्ट बात हुआ था अभी कि देख हर एक सिक्योरिटी को ऐसे बीटा में नहीं डाल सकते अपन जिसका बीटा वन हो, तो एक बात बता, सिक्योरिटीज का आपस में तो कोई कोरिलेशन होता होगा ना, मतलब कोरिलेशन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, अगर ए का वैल्यू बढ़ रहा है तो बी का भी वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो तू समझ रहा है, सिक्योरिटीज आर कोरिलेटेड। नहीं समझा, एक बात बता, एक छोटा सा तुमको चीज पूछता हूँ, ज्यादा ध्यान देना, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये 6 के बदले 10 हो जाएगा तो तुमको नहीं लगता ये ऑब्वियसली दिस विल इंपैक्ट दिस। अगर ये 0 के बदले उसके अजम्पशन उसका रॉन्ग चलेगा, नॉट रॉन्ग, अभी नॉट सी थिंकिंग दैट ये 10% हो जाएगा, भाई पॉसिबिलिटी ये है कि निशी जेंसी का पोर्टफोलियो निशी से भी अच्छा हो जाए, तू समझ रहा है। लेकिन एक बात बता, क्या निशी और जेंसी ऐसे सिक्योरिटीज में पैसा डालेंगे क्या हर बार जो इसका डायरेक्शन सेम है, मतलब सबका सब डिबेंचर्स या तो सबका सब इक्विटी, कोई नहीं करेगा भाई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर सब सिक्योरिटी डाउन गया तेरा पोर्टफोलियो मरेगा, बराबर है, तो क्या होता पता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था योर पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड, बराबर है, डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ ना तुमको एक और चीज देखना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। अब मैं तुमको क्या सिखा दूं पता है, कोरिलेशन ऑफ पोर्टफोलियो, बोल रहा है क्या कर रहा है क्या पर इंटरेस्ट आ रहा है ना, लेकिन ऑनलाइन वालों तुम भी बोल दो इंटरेस्ट आ रहा है कि यस सर यस सर, ये तुमको पक रहा है ना, क्या पढ़ा रहा है यार कुछ भी, सुबह सुबह कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अरे तुम लोग कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच वी आर लर्निंग। नहीं सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट प्रैक्टिकल में आई एम नॉट सो चैम, बट यस आई मतलब मैं बुक्स को प्रैक्टिकल के साथ आई एम मतलब जस्टिफाई सिर्फ कर रहा हूं। आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं प्रैक्टिकल और इसको अच्छे से लिंक करता हूँ। सर डेफिनेटली एनी वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं वर्ड्स विल बी लेस टू टेल इट अक्रॉस कि आप कितना अच्छा इस टाइम पे ओवरऑल पूरे सीएमए में मार्केट में पढ़ा रहे हैं सर। अरे थैंक यू सर। सर ब्रांड्स है खाली नाम लिखने के लिए, लेकिन रियलिटी में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं के लिए। दे आर जस्ट सेलिंग अ ब्रांड एंड डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं के लिए। मैं सर थोड़ा सा ना अमित सर से क्लोज हूँ, इनफैक्ट ही हैव टू मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर ब्लेसिंग रखना अपने साथ, ही ऑलवेज टेल्स मी सर 3 साल रुको। सर डेफिनेटली वंस वी विल बी डूइंग द वर्ड ऑफ माउथ व्हिच विल बी ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर यू, बट दैट विल बी मोर सस्टेनिंग ग्रोथ। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। चलो कोरिलेशन एंड द पोर्टफोलियो, अब भी कोरिलेशन का तुमको मतलब पता है, दो सिक्योरिटीज है
दोनों सेम लेवल का तुम नहीं ले सकते, ऐसा कोई सिक्योरिटी मत चूज करो जिसका बीटा एक है, बी का भी एक है, सी का भी एक है, डी का भी एक है, तो मरेगा तू। मतलब है ना, अगर एग्जाम्पल तुम थोड़ा पोर्शन अगर इक्विटी में डाल रहे हो तो थोड़ा पोर्शन तुमको डेट में भी डालना पड़ेगा, माइंड बी पॉसिबल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोल्ड में डालते हैं, बराबर एग्जाम्पल ना। सो आई एडमायर वन ऑफ द प्रोफेसर, हिज नेम इज अवध ओझा, कभी रील्स देखना उनको, तो उन्होंने क्या बोला था पता है? मैं किसी कास्ट में नहीं, IAS IPS ना, यूपीएससी के ट्रेनिंग में IAS के लिए पढ़ाते हैं, मैं किसी कास्ट में नहीं जा रहा हूँ, बट उन्होंने बहुत एक अच्छा एक कमेंट दिया था कि कोई जाट होगा ना अगर जिसके पास पैसा आया तो जाके वो फॉर्च्यूनर ले लेगा, फॉर्च्यूनर ले लेगा मतलब उसने 20 लाख का लोखंड ले लिया जिसका वैल्यू डिक्रीज होगा, लेकिन कोई मारवाड़ी आदमी होगा ना वो 20 लाख कमा के सोना ले लेगा, बराबर। तो ये मैं तुमको बस एक चीज बता रहा हूँ कि हर एक पोर्टफोलियो तुमको मैनेज करना पड़ता है। जैसे आज भी अगर तो आप जैसे एग्जाम्पल अपन यंग लोग है, मम्मी को बोलेगा तो मम्मी शेयर मार्केट नहीं समझता, उसके बाद ये समझता है पैसा 10-10 हज़ार डालो एक हार बन जाएगा उसको मैं अपनी बहू को दे दूंगी, बराबर ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि तुमको वो पूरा चीज मैनेज करना पड़ता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, तो इसको मैं चीज एक लिख रहा है मैं, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन, स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, कोरिलेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड कोरिलेशन is expressed in terms of correlation coefficient, इसको correlation बताता हूँ, correlation and coefficient, ये आज ही मैं अपने कजिन से पढ़ के आया हूँ जो मेरे से छोटा है मैं उनसे पढ़ के आया जी नहीं मतलब उससे मैं टर्म्स पूछा था बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। चलो अभी मैं क्या तुमको बोल रहा हूँ, कोरिलेशन तुमको सिखा रहा है। अगर कोई सिक्योरिटी तुमको बोलता है उसको डिनोट अपन आर से करेंगे, कोरिलेशन को अपन आर लिखेंगे, इसको ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगर किसी सिक्योरिटी का कोरिलेशन इज मोर देन जीरो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये तेरा पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर ये एक सिक्योरिटी बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, सेम वे पे नहीं बढ़ेगा बट बढ़ेगा। एक सेकेंड, आर वी कंपेयरिंग मार्केट या टू सिक्योरिटीज? बीटा क्या था? बीटा मार्केट का कंपेरिजन था। ये दो सिक्योरिटी को मैं देख रहा हूँ क्योंकि अभी पोर्टफोलियो था मेरे पास, तो मेरे को दो सिक्योरिटी को चेक करना पड़ेगा। बता हाँ, मतलब दो सिक्योरिटी लेके बराबर। तो अभी मैं क्या इसमें थोड़ा सा लिखता हूं आप लोग के हेल्प के लिए, मैं यहां पे लिख सकता हूं वन वेरिएबल इंक्रीजेस अदर ऑल्सो इंक्रीजेस। पहले ये सबको समझ में आएगा, बराबर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ योर आर इज लेस देन जीरो, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ या नेगेटिव हुआ? मतलब एक सिक्योरिटी का बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप वो डाउन पे जा रहा है, उल्टा रिलेशन, नेगेटिव। इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आगे मैं लिख सकता हूं when one variable, प्रियंका तू क्लास में जाए, when, अच्छा हाँ ये ले 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 yes, खुश sir. समझ है ना बेटा? यस सर। अदर डिक्रीजेस। चलो अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, किसी का अगर आर इज वन, ये परफेक्ट वाला हुआ मालूम है, अगर ये 10% बढ़ा तो ये भी साला सिक्योरिटी 10% ही बढ़ता है, परफेक्टली कोरिलेशन बोलते हैं इसको बोलते हैं। कम होगा तो कम भी होगा,
इसको परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, कोरिलेशन। Can I say increase in decrease in same proportion? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अभी तुम लोग ये खुद बताओगे मेरे को, इफ योर आर इज लेस देन वन, नहीं सॉरी सर, योर आर इज माइनस वन, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अगर ये 10 पॉइंट बढ़ा तो ये दूसरा सिक्योरिटी 10% से ही डाउन होगा, डाउन होगा। एक बढ़ा तो ये सेम प्रोपोर्शन में डाउन होगा। क्या बोल रहे हो सर? अगर दोनों डाउन ही है, अगर हाँ दोनों डाउन हो तो व्हाट मतलब पॉजिटिव वन, ये भी डाउन जा रहा है, ये भी डाउन जा रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव वन। एक बढ़ा और ये सिक्योरिटी डाउन गया तो ये निगेटिव कोरिलेशन, बराबर ना? तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा परफेक्ट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बराबर। क्या नहीं से इसमें ऐसा लिख सकता हूं मैं, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस अदर वेरिएबल डिक्रीजेस इन सेम प्रपोर्शन। क्या लेस वाला है बोलना, जो आर जो पूरी लिस्ट लेस होगा सी छोटा हो तो उसमें उसमें भी तो वही चीज लिखा है। अगर एक वेरिएबल मतलब एक बेटा लेकिन सेम नहीं होगा ना, मतलब अगर ये 10% बढ़ा तो अगर तेरा मोर देन वन है तो ये 5% से बढ़ता है, तो समझा तेरा कोविडेंस। देख तुमको एक चीज तो समझ गया, ये बीटा ही है, बीटा को भी ना बीटा कोएफिशिएंट ही बोलते हैं, लेकिन वो कंपेयर किससे होता है, तेरे सिक्योरिटी का मार्केट से। ये क्या होता है, मैं दो सिक्योरिटी को चेक कर रहा हूँ, इसके लिए उसको कोरिलेशन और कोएफिशिएंट बोलता है, समझा क्या? ओके, अभी दो तीन और वर्ड सिखाऊं क्या, पहले ये डाइजेस्ट सर, सर सर जो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसमें अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा मतलब सेम दूसरा भी बढ़ता है बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है ना? हाँ मतलब वो बढ़ेगा, लेकिन देख अगर वन है ना तो 10% 10% अब मैं तुमको कुछ और चीजें सब बता दो, ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा ये बाउंस जाने का चांस है, ठीक है? आ जा, नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस नहीं जाएगा, ये पोर्टफोलियो वापस आता है, ठीक है? अगर मैं तुमको ये बोलूं, ये ध्यान से देखो 2.8, इसमें से कौन सा ऐसा सिक्योरिटी होगा जो तुमको लगता है जो साला बहुत रिस्की है, अगर इसको उड़ा दिया ना या तो पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा या तो पोर्टफोलियो सुधर जाएगा। मतलब तुम समझो ना, मैं अभी तुमसे क्या पूछा पता है, डेविएशन पूछ रहा हूं, कौन सा ऐसा सिक्योरिटी है जो डेविएशन जिसका बहुत है। देख जजमेंट कैन बी एनीथिंग, अभी एग्जाम्पल जिसने डी बोला है वो भी राइट, वो क्या बोल रहा होगा सर, वाई इट इज आई एम सेइंग डेविएटेड। डेविएशन का मतलब ही ये होता है कि जो तुम्हारा टोटल है ना उससे तुम एकदम ही अलग हो। अभी एग्जाम्पल सब सिक्योरिटी मेरे को पॉजिटिव 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 रिटर्न दिया, लेकिन डी ऐसा ना साला बाहर ही है, वो माइनस में आ रहा है, तो जो समझ रहा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाई। बता दो तू एसपी वाला, ठीक है? मैं भी एसपी वाला, मैं ऐसे बता दू, 2.8 वॉज योर एवरेज, बट अगर तुम सिक्योरिटी डी की बात करोगे तो सिक्योरिटी डी तुमको -2% दे रहा, तो तुमको नहीं लगता ये ओरिजिनल पोर्टफोलियो से बहुत ही दूर है, टोटल 2.8 आना चाहिए था। अब देख मैं इसमें ना 1.6 को ना मैं थपथपाएगा, बोलेगा जैसा पोर्टफोलियो है तू उसको बन बना के रख रहा है, वेरी गुड, मतलब समझ रहा है वो दूर नहीं है ज्यादा, वो पास में ही है। लेकिन अगर मैं देखू 2.8 में से -2% साला इसके वजह से हो रहा ना, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा ना दैट विल बी हाई। क्या समझा? दैट विल बी हाई। डेविएशन मतलब चेंज ना, डेविएशन मतलब किसी चीज से तू कंपेयर कर रहा है। एग्जांपल 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 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, बराबर सबका मार्क ना 380 है,
एवरेज मार्क्स कितना 380, बट एक लड़का ऐसा है जो 440 लाया सेम इस एग्जाम में, तो समझ रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी हाई, 380 से वो बहुत ही दूर है, या तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको 200 मार्क्स ही आया तो उसका 380 से ही इज वेरी फार। उनको ये समझा क्या इसको सर, ना एक्स एक्सिस पे समझा दीजिए, जीरो माइनस लेके और प्लस लेके। नहीं सर, सब मुझे ही नहीं आता, मैं क्या पढ़ा, मैं मैथ्स बैकग्राउंड का ही नहीं, मैं बस तुमको बस ये वर्ड याद होना चाहिए बराबर। अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं जिसका नाम है कोवेरियंस, आ जाओ कोवेरियंस सिखा रहा हूं, प्लीज मेरी बात समझना, ये हॉक में नहीं दिया, वाइली में नहीं दिया, क्लेम में दिया, इसलिए मैं पढ़ा। कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो आ जाओ, रवि भाई पढ़ा देगा। कोवेरियंस भाई ही बिकेम सो फेमस, उसको बिग बॉस के हाउस का टूर दिया है उसको, सोच मतलब दिखाने के लिए कि बिग बॉस का घर कैसा है। बस चल अब सुन लो, मैं तुमको आराम से बताता हूँ ये क्या है। को अभी तुमको ये सब पूछेगा एग्जाम में क्या करने का, सुनो वो तुमको पूछेगा मेरे को कोवेरियंस चाहिए सिक्योरिटी ए का और बी का। ऑब्वियसली जो भी अभी अपन सीख रहे ना, पर्टिकुलर का तो सीख ही लिया ना अपन ने, एक्सपेक्टेड रेट। अभी क्या सीख रहे पता है अपन की दो सिक्योरिटी मर्ज हुआ तो क्या करेगा। कोवेरियंस क्या होता है मालूम है, इट्स अ कोएफिशिएंट ओनली बट दो सिक्योरिटी में, समझे बता दो। अभी जब तुमने क्या किया, दो सिक्योरिटी को रिलेट किया, बराबर ऐसा है वैसा है वैसा। कोवेरियंस क्या बोलेगा पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सिक्योरिटी का कितना, दोनों सिक्योरिटी कितना दूर है टोटल से, मतलब उसमें ए और सी कितना दूर है टोटल से। तुमको फिर से बता रहा हूँ, तो कैलकुलेशन तुमको एग्जाम में नहीं आएगा, मैं थ्योरी का दो लाइन लिख के देता हूँ, बस अपने को वही पढ़ने का, आगे कुछ नहीं पढ़ने का। कोवेरियंस आ जा, अब मैं क्या लिखता हूँ देख, कोवेरियंस क्या है, कोवेरियंस इज नथिंग बट अ कोरिलेशन, द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज, ऑफ टू सिक्योरिटीज कैन बी कंबाइंड विथ देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस, with their standard deviation to arrive at their covariance as a measure of their mutual volatility। सुनो सबसे पहले दो तीन वर्ड बताता हूँ, volatility का मतलब कितना अप डाउन होता। अभी तो क्या करना पता है, पहले स्टैंडर्ड डिविजन एक सिक्योरिटी का निकालता था, अब तू स्टैंडर्ड डिविजन निकाल रहा है दोनों को मर्ज कर। ओके एक एग्जाम्पल लो क्या इस पर, लो एक मिनट दो मिनट को आई विल गिव यू।
मैसेज का घंटी बजा तो भी फाइन है भाई। चलो आ जाओ, देखो इधर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, ऐसा एक सम है इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया, एक सम है अपने बुक में, द कोएफिशिएंट एंड द कोरिलेशन ऑफ द एक्स कॉर्पोरेशन स्टॉक एंड वाई कंपनी स्टॉक इज 0.6। तुमको समझा, ये कोरिलेशन है उसका, मतलब कैन आई से दे हैव गिवन यू आर, बता बता कोरिलेशन दोनों सिक्योरिटी, मीनिंग दे मूव द सेम डायरेक्शन 60% ऑफ द टाइम। ऑब्वियसली किसके 60% टाइम, आपस में वो लोग का छह मतलब 60% से चल रहा है। एडिशनली एक्स कंपनी स्टॉक हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 63.37 एंड वाई कंपनी स्टॉक स्टैंडर्ड डेविएशन इज 88.31%। बराबर, द कोवेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है अब मेरी बात आराम से समझ, कोवेरियंस ऑफ टू स्टॉक कैसे निकलता है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टोटल सिक्योरिटी, नहीं सॉरी सॉरी बाय कोवेरियंस कोरिलेशन ऑफ द सिक्योरिटी, कैन आई से दिस इज आर, आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू। तुमको एग्जाम में ऐसे पूछेगा, तीन चीज सेम क्वेश्चन आएगा, एक ही समय सब जगह एक ही सम डाला उसने, इसलिए मैंने ये उठा लिया। तो तेरा कोवेरियंस ऑफ टू स्टॉक 0.30 point, मतलब समझना इसका मतलब क्या हुआ कि पोर्टफोलियो अगर 1% चेंज होता, नहीं सॉरी 100% चेंज हुआ तो तू 33% दूर है, समझा। कोवेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई जब बोलेगा तो दो सिक्योरिटी का नहीं होता, वो एक सिक्योरिटी का होता, लेकिन जब तेरे को कोई कोवेरियंस बोलेगा ना तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सिक्योरिटीज। एक मिनट ऐसा लिख दो क्या, if it is one security then it is standard deviation, if it is more than one security, very good, तो इसको बोलते हैं covariance। चलो इतना अभी सर एक चीज, मतलब standard deviation मतलब हमने जो portfolio निकाला था उसपे वहाँ पे जो 2.8 था overall, correct, उससे हम compare करेंगे particular एक security का क्या relation है। Superb sir, very good, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरियंस पर्टिकुलर की मतलब हम लोग दो पोर्टफोलियो को ही आपस में, पोर्टफोलियो नहीं सर, एक पोर्टफोलियो के दो सिक्योरिटी, ओके ओके हां, एक पोर्टफोलियो के दो सिक्योरिटी को ही आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, करेक्ट सर, करेक्ट। चलो अब मैं तुमको एक मिनट का पॉज दे रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है क्या, बिकॉज इसके बाद कुछ अलग ही बोलना, तो इसका मतलब क्या बताया था आपने, मतलब देखो किसका बताऊं, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका बोल रहा है, ये जो कोवेरियंस आया ना आंसर 33.58, मैं क्या बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा तो वो मीनिंग पूछा है क्या, बराबर, मतलब मैं बोल रहा हूँ तेरा पोर्टफोलियो अगर कुछ अमाउंट है तो तेरे दो सिक्योरिटी 33% दूर है, तो समझ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही, डेविएशन मतलब क्या होता है, कितना परसेंट चेंज है, तो तेरा ये दोनों सिक्योरिटी 33.5% दूर है टोटल कैलकुलेशन से, ओके सर, समझा। चलो किसी को डाउट तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, दो मिनट का पानी पीने का ब्रेक लेते हैं अपन, बड़ा ब्रेक देगा, दो मिनट आराम करो, क्योंकि ए नहीं आराम मत करो, रुको, नहीं दो मिनट के बाद बोलते, 57 को मिलते, चलो पानी वाटर ब्रेक, तो लगता है मर जाएगी सोते अभी तक।
बट स्वा चलो आ जाओ लेट्स स्टार्ट कुछ चीजें हैं एक और बताने का है मेरे को सर डोंट वरी रिकॉर्डिंग पे हो लेकिन आपने बहुत सही चीज मेरे को याद दिलाया अपना रिकॉर्डिंग का ही मैस है चलो एक चीज सिखा रहा हूँ आज अभी ऑब्वियसली तुमने पोर्टफोलियो डेवलपमेंट करना चालू किया तो तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा सिक्योरिटी रिस्की है और कौन सा सिक्योरिटी रिस्की नहीं है बराबर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो यूएस के हर एक बुक्स में होता है सी में यूएस में सेम है सी आई ए का कोर्स होता है उसमें भी सेम है सी पी ए में सेम है इधर भी मैं वही पढ़ा था ओके कुछ एडिशनल नहीं डालता हूँ उनके हिसाब से रिस्क एनालिसिस के लिए इतने ही सिक्योरिटीज मैं आराम से सब कुछ बताऊंगा ठीक सुनो मेरी बात सबसे पहला यूएस में सेफेस्ट सिक्योरिटी मतलब इसमें जीरो रिस्क है जीरो रिस्क इज अ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स सेफेस्ट मतलब 1% रिस्क नहीं है उसमें और जो सबसे हाईएस्ट रिस्क होता है वो होता है कॉमन स्टॉक मैंने ऐसे कॉमन स्टॉक कल ही बताया था ये तुम्हारा इक्विटी शेयर्स हाईएस्ट रिस्क मतलब तुम्हारा पैसा डूबा अगर कंपनी डूबा तुम्हारा पूरा पैसा लेके जाएगा बराबर सिंपल ये था तुम्हारा लोवेस्ट रिस्क लेकिन एक चीज याद रख बहुत अच्छा बना के दिया उसने लोवेस्ट लोअर रिस्क लोअर रिटर्न्स जैसे जैसे मैं रिस्क हाई की तरफ जा रहा हूं मेरा रिटर्न भी हाई की तरफ चल बराबर दूसरा देखते ये रैंक वन सेफेस्ट सिक्योरिटी में आता तुमको एग्जाम क्वेश्चन पता है क्या पूछा था एक बार और पूछ भी सकता है उसने ना सीक्वेंस पूछा था क्या आएगा सर तीन समय अपने बुक में सीक्वेंस बताओ क्या है सेफेस्ट टू सेफ सॉरी जीरो रिस्क टू हाई रिस्क या तो बोलेगा हाई रिस्क टू लो रिस्क बताओ मैंने ऐसे समय से अपने बुक में पूरा नहीं तेको याद रहना चाहिए किसके बाद क्या क्या आता है ओके दूसरा है फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड अब फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड किसको बोलते हैं सपोज अगर कंपनी डूब गया तो कंपनी क्या करता है मालूम है अपने एसेट सेल करेगा एसेट सेल करेगा जैसे ही एसेट सेल करेगा ना सबसे पहले जिसके जिसके पास फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड था पहले उसको पैसा मिलेगा नहीं समझ बता दो कंपनी डूबा कंपनी डूबा अब कंपनी बोलता है आई एम गोइंग इनटू लिक्विडेशन तो कंपनी क्या करेगा पता है सबसे पहले कंपनी अपने एसेट्स सोल्ड करेगा एक मिनट यश किधर है यश है क्या क्लास में यश बोला था कि नहीं आएगा अच्छा चलो एसेट्स सोल्ड हाँ मैत्री कंपनी एसेट सोल्ड किया अभी क्या बारी आएगा पता है पेमेंट देने का बारी आएगा सब एसेट बेच दिया तो सबसे पहले ना मैं ना जिसके जिसके पास फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड्स था ना पहले उसको पैसा पैसा दूंगा फिर इतना पैसा बचेगा फर्स्ट बॉन्ड ये टाइप ऑफ अ बॉन्ड है ये सिक्योरिटी के मैं नाम सब बता मतलब उस पर लिख के आएगा जिस फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड बराबर मतलब अगर असेट का असेट सेल हुआ जो पैसा मिलेगा पहले अपन इसको दे देंगे दूसरा है तेरा सेकेंड मॉर्गेज बॉन्ड मतलब इनसे जब पैसा बच जाएगा तो मैं इनको मिलेगा एक बात बता इसलिए तो ये रिस्क में थोड़ा ज्यादा हो गया सेफेस्ट वाला फिर अभी अभी ये आया थर्ड रैंक बराबर है कि ओके अब ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं ना प्लीज मेरी बात ध्यान समझ दीज आर सिक्योर्ड बॉन्ड्स सिक्योर्ड अगेंस्ट सम एसेट मतलब समझना वो एसेट अगर बिका अगर लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में था ये अगर प्लांट एंड मशीनरी बिका प्लांट एंड मशीनरी का पूरा पैसा फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज वाले बॉन्ड को देखो पैसा देना ही पड़ेगा पहले ये समझ में अब मेरी बात समझ क्या हुआ अमल कुछ पूछ जाएगा नेक्स्ट अब बच गया अब पैसा बचा अब जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा तो वो सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स को पैसा देगा मेरी बात प्लीज याद रखना तुमको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा इसमें से अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स कौन सा है क्या बोला मैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स कौन सा है तो बोलने का सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स दीज आर द बॉन्ड्स विच आर अनसिक्योर्ड एक बात बता अनसिक्योर्ड का मतलब ही ये होता है
कि कल को अगर कंपनी डूबा तो तुम्हारा पैसा भी डूबने का चांस नहीं मिलेगा, नहीं मर सकता, बराबर। तो चल क्या ना इसे कंपनी डूबा तो नहीं, देख वो तो बाद में आएगा ना, देख इसका पैसा जब मैं दे रहा हूँ ना तो इसमें देख इसका नाम आया, अब मैं लिख देता हूँ सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स, तो देखो पैसा मिलने का चांस तो है बराबर ना, लेकिन एक बात बता, कंपनी का पैसा अगर इधर ही खत्म हो गया तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला बराबर ना, लेकिन थोड़ा तो रिस्क कम है ना, कॉमन शेयर्स एकदम लास्ट में आता बराबर, पहले ये समझा डिबेंचर्स आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट बस इतना तुमको आया समझ में, अनसिक्योर्ड इन एक मिनट, हाँ एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट बात सुनो, जो लोग भी इंडिया से पढ़े हैं ऑब्वियसली मैं भी इंडिया से पढ़े अपने इंडिया में डिबेंचर्स बहुत टाइप का होता है, सिक्योर्ड विक्योर्ड, यूएस में डिबेंचर्स मतलब अनसिक्योर्ड। चलो तुम लोग अपने इंडिया के एफ वाई या एस वाई के एग्जाम में अगर तुमने उसको अनसिक्योर्ड लिखा उधर ही पब्लिक देखो धोना चालू करेंगे, यूएस में डिबेंचर्स इज अनसिक्योर्ड। बोला अच्छा बात बता दिया तूने मेरे को, मैं तो पोपट हो जाता मेरा, एसपी पढ़ा अच्छे से। चलो अभी इनकम बॉन्ड क्या होता है, इसका डिटेल में ना किसी बुक में दिया नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इनकम बॉन्ड्स एक ऐसा बॉन्ड्स है, मतलब आपको इनकम तभी मिलेगा व्हेन कंपनी अचीव्स, व्हेन कंपनी अचीव्स सम टारगेट। तो भाई ये तो रिस्की हुआ ना, मतलब तेरे को तभी इंटरेस्ट, तेरा इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब कंपनी पैसा कमाएगा, तो रिस्की हुआ ना, मिलेगा पैसा मिलेगा, कंपनी कमाएगा तो तुमको भी मिले, तो रिस्की हुआ ना यार बराबर। उसके नीचे आता है प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड नहीं नहीं नहीं, ये भी बॉन्ड्स ही है, बॉन्ड्स ही है, डिबेंचर ये सब लोन ही है, अब भी तेरा ये इक्विटी वाला भी पार्ट है। प्रेफर्ड स्टॉक इज योर प्रेफरेंस शेयर्स, कभी ना कभी सुना होगा। अभी तुम बोलेगा इसको सर ऐसा क्यों रखा है, इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये जब पैसा दे देता हूं ना मैं, उसके बाद इसका नंबर आता है, तो बेटा ये रिस्की हुआ ना, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को पैसा दूंगा। कितना ऊपर लो दे, इतना ही तो है वो स्लाइड, ठीक है। चलो अब मैं बात सुनू, बराबर प्रेफर्ड स्टॉक का आया नंबर, बाद में कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये आधा आधा, तो इसीलिए मैंने इसको ना प्रेफर्ड स्टॉक के बीच में रखा। बाद में जब ये पैसा मिल जाएगा तो जाके जो पैसा बचा ना, फाइनल जो पैसा बचा ये तेरे को मिलता है, इसको बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर्स, अमाउंट अवेलेबल। सर बोलना यार, ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक है ये कंपनी कन्वर्ट कर देती है क्या, जो स्टॉक होल्डर आगे आएगा, सुन अब अपना जो बी टू है ना वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें सब बताऊंगा अच्छे से, उसका हर एक का ना डिटेल है, अभी हर एक का डिटेल है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड क्यों ऐसा होता है, सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होता है, ये सब आने वाला है, इसलिए बोल रहा था चैप्टर बहुत बड़ा है। तो अभी के लिए बोल और ये जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है ये रिस्क फ्री है, मतलब एक एफडी है क्या, वाकी एफडी नहीं है उसका बॉन्ड्स है, मतलब रिस्क फ्री, तेरा पैसा कभी जिंदगी में डूबेगा नहीं, जैसे इंडिया का भी बॉन्ड्स होता है, यहाँ पे ना इंडिया में एक बॉन्ड मिलता है गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड्स, वो भी ऐसे ही है सेफेस्ट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का जितना टैग आता है ना उसमें तेरा पैसा कभी डूबने का चांस ही नहीं। लेकिन सर वो 8 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। हाँ सर वो पैसा तो ब्लॉक हो ही जाएगा सर, फिर एसेट सोल्ड होता है, मतलब तो पहले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को पैसा देते हैं ना, मतलब ये भाई वो तो गवर्नमेंट का पैसा है, मैं तो कंपनी की बात किया। अच्छा वो गवर्नमेंट का है, ओके सर समझा। ये तू भाई तू एज अ कंपनी यू कैन नॉट इशू, तू इतना बड़ा हो गया कि गवर्नमेंट का बॉन्ड इशू करेगा, नहीं ना सर मुझे पता नहीं था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स कंपनी का है कि गवर्नमेंट का है। तो ये तेरे को यूएस यूनाइटेड स्टेट, यूएस का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ही है ना। हेलो रोहित, हाय हाउ आर यू सर, हां समझा। चलो पहले ये समझ में आया क्या, देन आई विल मूव अहेड, बसता है अरे बहुत पैसा बसता है। चलो इतना डन, बोलो ना, देन वी कैन गो अहेड। यस सर बट बिफोर गो अहेड लेट मी चेक मेरा पॉइंट कुछ छूटा है क्या, पेज नंबर 7 नहीं। चलो इसके बाद अपन B1 के सम चालू कर दें,
कोई भी अगर 5:30 के पहले का कू चिंग चू किया 5:30 कितना सम से मैं बता देता, मेरा टारगेट है 55 समाज 55 सम्स खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल सम्स बहुत ही कम है, थ्योरी बहुत है। ये सर मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए ना। बोलना। और कोरिलेशन में बोल बोल। और स्लाइड तो दिखाइए। अरे झुकना ये। हाँ हाँ सर, वही मैंने जो पूछा था ना, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसमें क्या होता है सर, एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी सेम बढ़ता है या उससे कम? सपोज एक सिक्योरिटी है ए, वो 10% से बढ़ा, तो सिक्योरिटी बी से 5% ही बढ़ा, तो रोहित इसका कोविजेंस कितना हो पता है? 0.5। अच्छा हाँ समझा सर। अगर ये 10% बढ़ा तो ये भी 10% बढ़ा, तो इसका कोरिलेशन हुआ 1। अगर ये 10% बढ़ा और ये 10% डाउन गया तो इसका कोरिलेशन है -1। बराबर। हाँ सर ठीक है। मेरी घड़ी में मैं अज्यूम करता हूँ 3:15 हो रहा है, 3:12 हो रहा है। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। तुम लोग डर जाते हो ना, फिर से कुछ प्रिस डालेगा। आसिल लगा एक खेलो दिमाग से, और आज मैं याद रखूंगा कि आज 3:33 है। क्या क्या हुआ? ट्रिपल थ्री, सॉरी ट्रिपल थ्री बोला, ट्रिपल थ्री। यस। अरे कल रोहित पता है, इतने शाने बच्चे ना मेरे इधर, मैंने कल 37 रखा और मैं भूल गया था, तो एक लड़का बोलता है सर 53 पे आपने बोला था एंड करने के लिए। अब मैं बाहर 20 मिनट से घूम रहा हूँ, मेरे को सच में लग रहा नहीं रे झूठ बोला मेरे को, और मैं क्लास में आया 35 पे और बच्चे को बोला मेरे को डाउट आ रहा है मैं 37 बोला था। एक लड़की बेचारी मानसी बोलती नहीं सर 37 ही था, तो जाके मैं लेक्चर चालू किया। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं मेरे पास, सबके सब सांप है इधर। 333 चलो सी यू 333। अलग से सुनो, ये अब से ना एक नया चीज मैं चालू करता हूँ, ये मेरी क्लासरूम सम्स है ओके, जिसका मैं तुमको प्रिंट नहीं दे सकता, तुम इसको अपने पास रखोगे एज ए रिविजन शीट ओके। अपने जो क्वेश्चन बैंक में है और ये जो सम्स है 95% सेम नहीं है, तो तुम समझो अपने पास ऑलरेडी सेक्शन बी के 436 सम्स है, और मैं क्लास में अलग से करवाने का प्लान है 300 मेरा, बस टोटल बी में मैं 700 सम सॉल्व करवाने के प्लानिंग में है, चलेगा? यानी कि बस सर इस सम को हम लोग वीडियोस में देख के अपना सॉल्व कर सकते हैं। बस चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, जो कुछ लोग डेमो बैठे हैं उनको नहीं मिलेगा, जब व्हेन यू बिकम माय स्टूडेंट्स तो मैं तुमको ये भेज दूंगा ठीक है। चलो स्टार्ट करें, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व ओके। मैं पीडीएफ दे देगा, बट मैं अपने साइड से ये तुमको जेरॉक्स नहीं दे सकता, तुमको प्रिंट आउट नहीं निकालना पड़ेगा ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अरे रुकना डी, हाँ देख क्वेश्चन पढ़ा नहीं बोला डी। द मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, यूएस ट्रेजरी 6 सिक्योरिटीज, गुड बॉय। चलो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तेज है बच्चे बहुत कम कम होते। अमल बोलता है ये आंसर मैं देता तो, अरे चल ना नेक्स्ट पेज चल। क्वेश्चन पढ़ाता कौन है तेरे को? चल अमल बोलेगा जो मेरे को पढ़ाता है। अ फर्म इज कंसिडरिंग एक्सपांडिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड द फर्म्स कंट्रोलर क्लासिफाइड एज अ पॉलिटिकल रिस्क, इसमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है? ए बी जय, जिंदगी भी नहीं होगा, अकाउंटिंग मेथड कहां से रिस्क होएगा भाई? बराबर। सी क्यों नहीं हो सकता पता है? होम करेंसी कहां से हो पाए? पॉलिटिकल मतलब बाहर से कुछ इश्यू ओके। आंसर इज ए, एक्सप्रोप्रिएशन फ्रॉम द प्लांट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तुमको पता है मैंने कभी ना कभी इसका वर्ड बताया था, एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है बाहर की कंट्री से इंडिया में पैसा लाना,
वोट डिफिकल्टी होता है, ये तुम्हारा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क मतलब अपनी कंट्री का नहीं होता भाई, मेरा एक कंपनी है लेट्स से वो यूक्रेन में, तो वो पॉलिटिकल रिस्क है, समझा कि नहीं? अपनी कंट्री में जो होगा तो कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, बहुत सारा रिस्क है, लेकिन बाहर किसी कंट्री में होगा तो पॉलिटिकल रिस्क, समझा क्या? तो सर अगर इन्फ्लेशन होगा होस्ट कंट्री में तो वो भी एक रिस्क है? नहीं सर, नहीं सर, वो आपका ना बिजनेस रिस्क टाइप हुआ, वो पॉलिटिकल रिस्क नहीं हुआ, इकोनॉमिक रिस्क हो गया ना सर, वो इकोनॉमिक रिस्क हो गया ना सर। ओके ओके करेक्ट करेक्ट, ये अच्छा चीज बोला रोहित ने, इसको इकोनॉमिक रिस्क बोल देता हूँ, बोलता क्या हो, ये है ही वही इकोनॉमिक रिस्क। क्वेश्चन नंबर 3 वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, वो बाद में अपन सब करेंगे, ये सेक्शन 1 की बात हो। 4 में मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, मेरे को डायरेक्टली आंसर मांगता है। आराम से पढ़ ले बेटा, पढ़ ले पहले। बी तुमको ऑन द स्पॉट निकलना चाहिए था, क्यों मालूम है? पहले एक चीज याद रखना, सुनो, अपॉर्चुनिटी टू अर्न हाईएस्ट रिस्क, अपॉर्चुनिटी फॉर द रिटर्न्स, और लोएस्ट रिस्क बोला उसने, बी नहीं ना, लोएस्ट बी 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 आएगा, लोएस्ट से हाई जा रहे हैं ना सर, अगर हाईएस्ट रिस्क से बोलता तो फिर उल्टा आ जाता है ना, तो फिर उल्टा, तो तेरा आंसर होता ए, बट ए में भी उल्टा उल्टा उसने लिखा, बराबर ना? ठीक है, चलो ध्यान से आंसर देना, ये द रिस्क ऑफ अ सिंगल स्टॉक, एक स्टॉक का, ए सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, बराबर ना? आगे बेटा मार्केट तो पूरा टोटल होता ना, तो एक सिक्योरिटी का बोलता, एक मिनट, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6। वन ऑफ द टाइप ऑफ रिस्क विच इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट कैन बी ऑफसेट, ऑफसेट मतलब किसी चीज को कम करना है तो रिड्यूस करना, ऑफसेट थ्रू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, this type of risk is referred as, ध्यान से मेरी बात सुन, diversification हो सकता है, कौन से, अरे भाई ये भाई क्या ये आंसर दे रहा है तू, रोहित पागल पागल हो गया है क्या? B बोला, B B, अच्छा B बोला, sorry, A कौन बोला, A कोई तो बोला मेरा, नहीं सर B है, unsystematic because diversify कर सकते, yes sir, yes sir, this true all, बोलना सर, इसका PDF आप दोगे ना तो ऑफसेट पैसा लिख के दे दो ना, मतलब उसका क्या है? देख हाँ, ये बहुत सही बात बोला रोहित, एनी मोमेंट इफ यू फील दैट यू वांट टू एडिट समथिंग तो मेरे को बोलना, ठीक है, ऑफसेट टू कैंसिल और आई कैन से टू रिड्यूस समथिंग, ठीक है, डज दिस ऐसा लिख दो ना, ऐसा लिख दो ना, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब समझ जाएगा और अच्छे से। अलाउड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, पूरा पैसा यही वसूल साला है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं सर, मतलब कैसा बहुत टाइम हो जाता है ना, फिर याद नहीं रहता, बस 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 बहुत हो चुका। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द रिस्क टू व्हिच ऑल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट नोन एज, ऑल इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक, रोहित क्यों तेरे वॉइस में क्वेश्चन मार्क क्यों है, सीधा बोल सिस्टमैटिक, डरता क्या है? हाँ सिस्टमैटिक ही बोला वो। चलो ये क्वेश्चन में स्टामक कर रहा हूं, अपने क्वेश्चन बैंक है, आराम से पहले पहले पढ़ना, तुम क्वेश्चन बहुत मस्त है, आराम से पढ़ना फिर आंसर देखते हैं।
यहाँ तक पढ़ा, असली मसाला इधर है नीचे। अब देखता हूँ कितने लोग का बत्ती चलता। ठीक है, सबको पहले पढ़ लेना, आपकी भी इच्छा पूरी की जाएगी। सी होना चाहिए सर। यस सर, मेरा भी सी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट देख लेती हूं। ब्रिटिश आएगा सर शायद, ब्रिटिश। ठीक है, एलिसा हाय, एलिसा हाय, हाउ आर यू एलिसा? एलिसा मोबाइल टेढ़ा हो गया। हाय एलिसा, अरे इट्स ओके, इट्स ओके। चलो एलिसा का कैमरा ऑफ नहीं हो रहा है। एलिसा समथिंग वेंट रॉन्ग, यू आर नॉट ऑडिबल, जस्ट वेट, डोंट वरी, डोंट वरी एलिसा, डोंट रश, इट्स ओके, इट्स ओके, मैंने स्टॉप कर दिया आपका वीडियो, डोंट वरी एलिसा, कोई नहीं देख रहा है आपको, मत भागो। सुनो, सबसे पहली चीज, ये सब पंचायत दिया हुआ था। दूसरा, उसने एक और चीज बोल दिया, एक तो वो न्यू इनटू इंटरनेशनल बिजनेस है और बोलता है रिलेटिवली वो रिस्क अवर्स है, उससे उसकी बत्ती जली, तुमको बत्ती जलना चाहिए कि भाई उसको पॉलिटिकल रिस्क लेने का ही नहीं। तो इतना तो पक्का है कि वो कॉम्बिनेशन ही विल नॉट प्रिफर, ऑब्वियसली यस, वो कॉम्बिनेशन प्रिफर ही नहीं करेगा बिकॉज उसको लग रहा है रिस्क है। तो लेट्स से अपन यहाँ पे आए और रिलेटिवली रिस्क लेस, मतलब सॉरी रिस्क कवर्स है, मतलब उसको लो रिस्क चाहिए और रिटर्न भी लो रहेगा, चलेगा। तो एक बात बताओ, इतना तो पक्का है कि ये ऑप्शन उसके लिए नहीं है, पता बना? तो अभी एक बात बताओ, वी हैव टू चूज फ्रॉम हियर, क्या लगता है तुमको? ऑब्वियसली लो रिस्क, स्टैंडर्ड डिविजन इज अ मेजर ऑफ रिस्क, क्या लगता है तुमको क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इन्वेस्ट, कम रिस्क है, रिटर्न कम मिलेगा, चले सर। हाँ बोलना। मुझे जो सेकंड पार्ट जो दिया है ना, उसमें वो क्या कह रहा है वो बताओ, कॉम्बिनेशन लेने बोल रहा है क्या उसमें? किधर किधर जो लिखा है ना, हाँ हाँ, वो क्या लिखा है? ये बोल रहा है कि देख, उसको कॉम्बिनेशन में जाने का, वो बोलता है कि अगर ऊपर वाला नहीं जमा देन मैं कॉम्बिनेशन में भी जा सकता है, यूएस एंड ब्रिटेन दोनों में। हाँ समझाइए। यस सर। ठीक है, आंसर आंसर क्या आएगा? अंडरटेक ब्रिटिश ना, कैनेडियन जैसा आएगा, ब्रिटिश ना, ठीक है। क्या देख, क्या दिख रहा है? ब्रिटिश आएगा ना। अच्छा, ओ अभी आपको दिखेगा, आपको भी दिखेगा। जिंदगी में ना, मेरी जिंदगी में तकलीफ है यार, दुनिया खुश है बस मैं ही दुखी हूँ। सुनना, इसमें सम नंबर्स लिखा है जो मेरे को नहीं करवाने का, तो मेरे को बताना, बोलो ना, सुनो ना, संग मरमर। हाँ बोल, ये तू विजय, तू कल से क्लास मत आना, ये तेजी वजह से सारा मेरा हाल हो गया। एक मिनट, चलो आ जाओ। एन इन्वेस्टर इज करेंटली, अरे 40 रुपया मेरा फोन नहीं बोल रहा है, अरे उसका बोल रहा हूँ मैं। एंड एन इन्वेस्टर इज करेंटली होल्डिंग इनकम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स एंड द फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड्स। सर सी देगा, फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड्स ट्रेडिशनली इज कंसिडर्ड हैव अ लीस्ट रिस्क, फर्स्ट मॉर्गेज सी। बाद यू गाइस आर
giving answers like a champ. Chalo. The risk of loss because of fluctuation in the relative foreign currency is called. Exchange rate. The risk that securities cannot be sold. 11 nahi karne ka na? 11 nahi karne ka? Ye kyun nahi bolna pata? Acha suno na. 11 wala jo question hai na, wo sirf aur sirf un logo ke liye jin logon ne section D kiya. जिसने नहीं किया वो लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो लोग कुछ नहीं पूछेंगे मेरे को, ठीक है. द रिस्क दैट सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड एट अ रीजनेबल प्राइस ऑन शॉर्ट नोटिस इज कॉल्ड. जिसने डी पढ़ा उसको ये आंसर आना चाहिए. लिक्विडिटी. मार्केट में बेचने जा रहा हो, पैसा चाहिए लेकिन पैसा ही नहीं मिल रहा. लिक्विडिटी. जो लोग भी बी पढ़ रहे हैं मेरे साथ फर्स्ट टाइम, प्लीज वो लोग इस पे ध्यान मत देना. But yes, जो लोग भी D पढ़ा है उसने आंसर दिया, yes, this is correct answer. सर वो पॉइंट में आपने लिख के दिया था liquidity में, याद आया. Teacher. सर C क्यों नहीं purchasing power? ये भाई वो inflation पे होता है. तू दो घंटे से लेक्चर बैठी है, इसको अभी realize हुआ, इसको दिख नहीं रहा है ऐसा. 8-12 है क्या? देख 12 सब नहीं लिखा ना मैंने. चलो बाद अच्छा समय देखो, ये तुमको आएगा 100% आएगा. इट सेज कंपनी इशूड अ कॉमन स्टॉक एंड द प्रेफर्ड स्टॉक. प्रोजेक्टेड द ग्रोथ रेट ऑफ कॉमन स्टॉक इज 5%. द करेंटली क्वार्टरली डिविडेंड, एक मिनट. हाँ नहीं, ये नहीं कर, हाँ नहीं, चलो. करेंटली क्वार्टरली प्रेफरेंस डिविडेंड इज 1.6. एक बात बताओ कौन सा डिविडेंड बोला उस? क्वार्टरली डिविडेंड. बराबर. द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक इज 80 and the current market price of the common stock is 95. What is the expected rate of return on the preferred stock? Barabar. Pehle ek baat batao. Per annum nikalu ya quarterly nikalu? Per annum quarterly. Kaise nikalte dekho. Dekh to lete hain. Aa jao. Can I say 1.6 tumko milne wala quarterly? Isko multiply by 4 karo. Barabar. कितना मिलेगा, कितने रुपए पे मिला तुमको ये? 80 रुपए पे मल्टीप्लाइड बाय 100 करो. ये आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का एक चैप्टर उसमें आएगा, टेंशन मत लो. 8% ठीक है. 13 है सम्स. ठीक सर, ये वापस बताइए क्या किया सर इसमें? अरे बेटा कितना इनकम तेको प्रेफर्ड स्टॉक से मिला? 1.6 मिला क्वार्टरली. यस सर. बराबर है, ये मिला तब ऑब्वियसली. yes, मैं बोल रहा हूँ अगर ये मिला है कितना तेरे को साल में 4 बार मिलेगा. यस सर. सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट ना, कल ही तो सीखा है. इनकम भी मिला, ये इन्वेस्टमेंट है, समझा? ओके. ये थोड़ा टफ है बट आई विल जस्ट ट्राई कि तुमको आता है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 13. रिस्क फैक्टर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. मतलब एक सेकेंड, वॉट ही सेइंग, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट इसमें से कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क है. अगर तुम देखो सुनना, ये 3 or 4 है ना, एक सेकेंड ना सर, ये जो 3 or 4 है दिस इज रिलेटेड टू फर्म, और ये जो ऊपर का 2 है दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी. एंड इकोनॉमी का कोई भी जो रिस्क होगा ना, दैट ऑलवेज बी सिस्टमैटिक रिस्क. गुड वन. आंसर इज बी. ये क्या आवाज आ रही है? चलो डन. चलो 14 थोड़ा सा अजीब है. इट सेज पॉलिटिकल रिस्क मे बी रिड्यूस्ड बाय. बी आप लोग किसी के साथ जॉइंट वेंचर करोगे एग्जाम्पल, और वो कल को भाग गया, इससे रिस्क एलिमिनेट नहीं होने वाला है भाई. तुम्हारा पार्टी अगर चोर निकला तो पहला ऑप्शन क्या 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 बोलते हैं मालूम है? ऑपरेशन रखो लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो. बराबर ना?
ऑपरेशन रखो लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो. ऑप्शन ए क्या बोलता है, मेकिंग फॉरेन ऑपरेशन डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक पैरेंट फॉर द टेक्नोलॉजी. मैं जब तेरे को कोई काम बोलूंगा तो ही तू कर, मार्केट्स एंड सप्लाईज सब मैं करूंगा. मैंने हाथ खड़ा, अगर पॉलिटिकल रिस्क आया मैं सीधा, मैं मतलब मेरे पे डिपेंडेंट है, बोलूंगा भाई बंद कर चल, रिस्क एलिमिनेट. बराबर ए. और सर लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है मुझे बस, फाइनेंसिंग कैपिटल फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. तो बाहर से पैसा लेगा तो उससे पॉलिटिकल रिस्क थोड़ी रिड्यूस होएगा. ऐसा सम देखेला लगता है कहीं पे, क्या 50 नहीं करने का कहीं को? एक मिनट मैं तो सॉल्व किया है, 15 लिखा है मैंने, नीचे 15 लिखा होगा. अरे ऊपर ऊपर वाला देखना मेरी माँ, ऊपर कितना लिखा था, 3 क्या क्या लिखा, 3, 16, 18. हाँ बस, तो ऊपर वाला देखना, तो नीचे वाला छोड़ दे, वो अलग टॉपिक है. बोल सर, बोलो. आपने ये एमसीक्यूज की नई पीडीएफ बनाई है? यस. चलो नेक्स्ट. एंड भाई एक सेकेंड, इसके साथ तुमको वो वाला भी देखने का जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व है, ये मैं क्लास में सॉल्व करवा रहा है, वो अलग भाई, वो भी खत्म करने का अपने, उसमें 436 है, वो रिकॉर्डेड है पूरा. चलो. An analyst is an accounting department gathered the following data on the stock portfolio portion of a university endowment pool. Okay, अब मैं बात समझना, security A, B, C, D, E दिया. On the above data, analyst calculated expected return on the stock portfolio B. क्या करोगे बोलो? क्या बोला उसने? सुनना, क्या बोला उसने? Expected return बोला. ऑफ द पोर्टफोलियो सी. अगर तुम लोग सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 कर रहे हो, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 कर रहे हो, तो तुम लोग पोपट हो. वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो बीटा है. वो मेरे को क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक पोर्टफोलियो चाहिए. मतलब सुन क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपन यहाँ पे रिटर्न निकालेंगे, टोटल कितना आता है. चल 1 लाख पे 10% मार, 1 लाख आएगा. 10 लाख, हाँ 10 लाख पे 10% इज 1 लाख. 2 लाख 50 पे 15%, आई थिंक यू विल गेट 37,500. चेक, 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8%, 4 लाख 50 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 54 आएगा. प्लीज चेक करो, मैंने लिख के रखा है, तुम चेक करो बस. 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4%, 1 लाख. अभी इसका टोटल निकालो, चीटी मारो अगर तुमने ठीक से किया तो. 531,500 मिलेगा. कैन आई से, मेरे को एक बात बता, मेरे को इनकम मिल गया ना, डिवाइड बाय क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट. क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिया है क्या? दिया ना. ये क्या, मारो इसका टोटल, मारो इसका टोटल कितना आता है देखो. अरे कैलसी घुमाना, 10, 50, 5, तो क्या 7 लाख 72 आगे ले गया, 72 लाख एग्जैक्ट इनकम सही है. ये भाई लोग ये चेक करो, ही सेइंग 72 लाख सही है. चलो क्या मेरे पास इनकम है, 531,500 डिवाइड बाय व्हाट, इन्वेस्टमेंट 72 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, हाउ मच यू आर गेटिंग, कितना, 7.4%. मेरी बात प्लीज समझना, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है. मल्टीप्लाई मत करना, पोपट होएगा. वो बीटा दिया था, समझी क्या, सुपारी वाली औरत. लेकिन बीटा से काम नहीं है ना अपना. हाँ हाँ ऑब्वियसली जाएगा ऊपर. ये 16B है, वी डोंट हैव टू सॉल्व आई गेस. ये सेक्शन बी का, ये भी बाद में आएगा, अभी इसमें नहीं आएगा, बॉन्ड्स के चैप्टर में आएगा सेक्शन.
चलो 17 सबको आना चाहिए, पढ़ो और चुपचाप आंसर दो. क्रेडिट सर, क्रेडिट. मैं पढ़ूंगा भी नहीं. हाँ पता है 19. चलो लेट्स सॉल्व 19. प्रोवाइड द लीस्ट रिस्क. डिबेंचर्स नीचे आता है, अनसिक्योर्ड है, सबॉर्डिनेट डिबेंचर्स भी उसके साथ आता है, इनकम भी प्रेफरेंस शेयर्स के थोड़ा ही ऊपर है. फिर क्या बचा? मॉर्गेज बॉन्ड, फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड और सेकंड मॉर्गेज बॉन्ड. गुड गुड वन. चलो बीबी 20 भी नहीं करना, 20 नहीं करनी, ये सेक्शन बी में, बट वी विल लर्न आफ्टर सम टाइम. 21. चलो प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो, यूएस कॉर्पोरेशन वॉज पोजिशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डिनोमिनेटेड इन द डॉयश मार्क्स. ये करेंसी का नाम. विच टाइप ऑफ रिस्क दे आर एक्सपोज्ड? अकाउंट्स रिसीवेबल जो था वो डॉयश में लिखा हुआ था. बी, बी होना चाहिए. सर 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 बोल बोल बोल. वो क्वेश्चन नहीं समझा, क्या बोला है वो? क्वेश्चन ही नहीं समझा. अरे तेरे पास डेटस पड़ा हुआ है जो डॉयश मार्क्स में. डॉयश मार्क इज अ करेंसी, तो तेरे पास करेंसी रिस्क ही होगा ना यार. हाँ सर. ओके 22. क्या बोली? वो अभी से नहीं, वो स्टार्टिंग से जब से लाए उसने तो पैसा कम कम लिया. मतलब तू स्क्रीन देखती भी नहीं है ठीक से. कैसे कैसे बच्चे के लिए 22. तुम लोग का ऐसा नहीं, तुम किसी क्लासेस में गया था, तुमको वहां से मार के भगाया तुम लोग, इसलिए मेरे पास आया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो तो मैंने किए ही है, पता है मेरे को. इससे तुम्हें टीचर बने, मेरे को कभी कभी पता है, बच्चे को कभी पूछो ना कभी एक बार लाइफ में वो बोलता है कि मैं टीचर बनेगा. मैं कसम से बताता हूँ, 24 साल की इस तक नहीं पता था कि मैं टीचर बनेगा. When the purchasing temporary investment, which of the following best describes as a risk associated with the ability to sell the investment in the short period of time without significant price concession? ये भी किया अपन. ये हाँ सर, ये अपने हाँ liquidity, मतलब मेरे को पैसा चाहिए बट मेरे को, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट अपना बेच ही नहीं पा रहा, liquidity risk. सर वो हाँ, ये एबिलिटी टू सेल देख के मुझे पता चल गया था कि लिक्विडिटी रिस्क है, पर बाद में वो जो इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन, वो लाइन का मतलब क्या है? शॉर्ट मतलब छोटे टाइम में मेरे को ये नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे मेरे को प्राइस चाहिए उसका, ऐसा. हाँ लेकिन इसके बाद जो आने वाला है ए 55 नहीं, मैं 100 सम्स का टारगेट था. तू रुकेगा कि नहीं? सबको पढ़ने दे, सीधा सम आता है सीधा. बी बी. व्हिच टाइप ऑफ रिस्क दैट नॉट डाइवर्सिफाइड? मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क को क्या 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 बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं. वेरी गुड. चलो ये सम का आंसर दो, सम का आंसर दो. ध्यान से पढ़ो. डी 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 फाइनल डी. यस सर, डी ही है भाई, डी ही है, डी ही है. क्या कर रहे है तू, मतलब कहां है तुमको लाइफ में परेशानी इतना भाई? कभी नेक्स्ट टाइम कुछ तो सीधा मुंह पे इसको मार, हाथ पैर पे मुक्का मत मार, ऐसा ऐसा ले एक ठंगना ना, सीधा मुंह पे मारने का इसको. लड़की पे हाथ उठाता है तुम. सिस्टमैटिक रिस्क एक्सप्लेन्स व्हाई. ए बी पहले एक बात बताऊं, इसमें दो आंसर तो कंफर्मड नहीं है, तेरे को धो दूंगा अभी मैं. तो डाइवर्सिफिकेशन बोला सर, ए और बी नहीं है क्योंकि ए और बी तो होने वाले नहीं कर सकते. सिस्टमैटिक इसमें डाइवर्सिफाई होगा ही नहीं. और एक बात बता,
सिस्टमैटिकली इसमें एक साथ ही सब डाउन या अप होगा ना, तो अलग अलग डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी होगा, सेम डायरेक्शन में सर सी आंसर रहेगा सर, ऑन सिस्टम होता तो ए आता ना आंसर ऑब्वियसली यस। अगर सुनना आशा, अनसिस्टमैटिक होता तो ए और बी दोनों राइट आंसर। ओके बराबर ना, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज आल्सो। चलो, रैंक द इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू हाईएस्ट रेट टू लोवेस्ट। अब मेरी बात सुन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है एंड अमाउंट रिसीव्ड भी दिया। चलो कैलसी उठाओ, सीधा क्या क्या करोगे, ये डिवाइड बाय ये। चलो लग जाओ काम पे, एक मिनट क्या करते हो तुम लोग, क्या जितना पैसा डाल के। हाँ अच्छा, तो परसेंटेज के बिना कैसे निकालेगा। अब मेरी बात सुन, ये तेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये समझ, ये तेरा ओपनिंग वैल्यू है, और अमाउंट रिसीव्ड ये तेरा क्लोजिंग वैल्यू है। कैसे निकालेगा, वेरी गुड। ऊपर क्या है, ऊपर वाला मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डिवाइड बाय ओपनिंग। चाहिए तो एक कॉलम बनाओ ऐसा, रिटर्न का पहले वाले में आएगा माइनस 110, चेक करो, दूसरे वाले में आएगा 410। सब लोग मेरे साथ में, एक कैसे बोल सर, अभी आपने बोला था डिवाइड करने के लिए, अभी आपको चला अरे चेंज किया मैं भाई, मेरे को लगा वो डिविडेंड है, ये अमाउंट रिसीव्ड है टोटल 8500 डाला और 8390 है क्या। माय मिस्टेक सॉरी सर, मेरे से मिस्टेक हुआ, सॉरी सर माफ कर देना सर करोगे ना माफ सर मिस्टेक थोड़ी हो जाता है। चलो ठीक है, 400 अभी क्या करोगे, इसको डिवाइड करना इसके साथ, 1.3% आ रहा है निगेटिव, चेक करना सब ट्राइम सब मारेंगे, 9.8% आया, 2.51% आया, 4.1% आया, 3.6% आया। चलो रैंकिंग देते हैं, गुड ब्रो राइट, चेक कर ले तू एक बार सर। डी 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 1 2 3 4 5 बराबर, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, बी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, इसने लिखा है ई, आंसर इज डी। कड़ला का तुम्हारा सला जाऊया, ये करने का है क्या। Which one of the following would be classified as a political risk? I crime political risk नहीं होता, ये economic risk है, ये economic risk है, ये financial, ये तुमको समझाना, ये last वाला foreign currency risk है, foreign exchange risk, this वाला economic risk। Sometimes I speak मिठी भाई वाला English, वो तो you know ना, I was going towards वो, हाँ अन्ना वाला। एक तो कोई लड़की थी कॉलेज टाइम पे, उसने पता है क्या बोला, वो नंदू डोसा वाला है ना, अभी कोई चाय वाला था तो उसका बोलती अंकल टी कितने का दिया। हाँ उसने ऐसे ही बोला, हाँ अच्छी दिख रही थी, फिर बोला नहीं कैंसिल। सेकेंड पार्ट क्या, अभी पोर्टफोलियो अच्छा चालू हुआ, 55 तक बोले थे, 35 पे। हाँ मैं बहुत छाना है, ये अलग टॉपिक चालू हो गया। अच्छा कराऊंगे नहीं करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं, रवि भाई पढ़ाएगा तुमको, चलो आ जाओ पढ़ाता हूँ सर। एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्या सर, मैं एक चीज आपको ऑनेस्टली बताऊं, नहीं सर ये तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग को बच्चे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं तुम लोग सर, मेरा टिफिन। सुनो पहली चीज तो सर, ये अपने को सिंपल इसलिए लग रहा है बिकॉज अपन बहुत अच्छा पढ़ा था,
लोगों को इसमें भी डाउट आता है कि कौन सा आंसर आएगा। कभी टेलीग्राम पे ज्वाइन होना, कभी देखना, कुछ भी पूछता हो लोग क्वेश्चन। तुम लोग कभी टेलीग्राम पे जाएगा, कभी भी किसी के क्वेश्चन का आंसर मत देना, तुमको 100 चीजें पूछ लेगा वो, ठीक है। अभी से मैं तुमको सब बता के रखूं, कल मेरा गोविंद से बात हो रहा था, गोविंद ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक कोई माइल्स का स्टूडेंट था, उसने दोनों पार्ट सेम विंडो में दिया बस ये देखने के लिए कि कौन सा एग्जाम सिंपल आता है, और उसको दोनों एग्जाम में 200 मार्क्स आए। पता नहीं, वो बोलता है मैं तो फेल हो गया। एंड स्टॉक इज अ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। सीएमए की प्रिप ऐसी करो कि चार लोग बोले कि पिक्स में एनरोल हो क्या। ओ वाह रोहित वाह, क्या बात है यार, वाह दिल जीत लिया तूने। क्या क्या रील बंद, ठीक है ठीक। स्टॉक एज अ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। सुनना भाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, आंसर दिया निकल, रिक्वायर्ड रेट नहीं, एक्सपेक्टेड रेट दिया, CAPM मॉडल से लाया उसने। इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट इज 12%, ये क्या है? ये आरएम दिया, एंड द रिस्क फ्री इज 4%। व्हाट इज द बीटा कोएफिशिएंट, तुमको समझा सम एकदम थोड़ा अजीब है। चलो ट्राई मारो, क्या यूज करोगे फॉर्मूला? आरएफ 100 नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई का बीटा है। मैं सिर्फ फॉर्मूले में हेल्प कर रहा हूं तुमको। एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा। समीर कुछ मिस्टेक हो रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। क्या कर रहा है तू, तेरे से जैसे मैथमेटिक्स मिस्टेक हो सकता है। बी बोली क्या हो गया तुम लोग को, कुछ भी आंसर मत दो यार तुम लोग। सर ए आंसर है 1.5। यस सर राइट। सोलह माइनस चार कितना होता है भाई? 12। सही ना, 12 माइनस चार इज 8 बी ना, मल्टीप्लाइड बाय 8 बी। स्नेहा बेटा क्या क्या मिस्टेक किया था? स्नेहा चलो आ जाओ देखते। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ वन ऑफ टू कॉमन स्टॉक्स। सर 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 वो सब बताना वापस, मैं बताएगा नहीं, तू मेरे को डाउट पूछ इसमें। नहीं मेरा 0.75 आ रहा इसीलिए। नहीं तो तू चेक कर कि कहाँ पे मिस्टेक किया। तो बेसिक मैथ्स है, मैं तेरे को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चला जा देख देख, आ जा सिर्फ तेरे लिए। एसपी स्टूडेंट हूँ सर। क्या एसपी? एसपी मैं भी एसपी वाला ही है रे, ये दो। चल हाँ हाँ मैं एसपी वाला ही है। देखो इतना देखो कुछ हो जाता है क्या बीच
तो ऐसा क्यों है कि ये भी बोलती है लेकिन मैं कभी नहीं बोलता ऐसा। तेरा वॉइस अच्छा, गिटार वाला वॉइस है। 16-4 अभी ज्यादा बोले कि तो मैं गा दूंगा ओ बल खुदा। सर आरएम में मैंने 12 ले लिया था, आपने 16 लिखा है, यही वजह से मैंने पूरा सम वापस किया। सर अभी ये क्यों तुम्हें को 5 रुपए ये जो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 16 आपने लिया ठीक, फिर आरएम आपने ये 12 दिया है, फिर आरएफ अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न और सॉरी ये 12 है 12। थैंक्स सर फॉर हेल्पिंग मी। तो ये 12 डिवाइड बाय 8 आएगा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1.5 ठीक है। चलो सर मैंने क्या किया था ना, मैंने ऐसा कर दिया, छोड़ समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मैं, इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग द परचेस ऑफ वन ऑफ टू कॉमन स्टॉक्स, द प्रोजेक्टेड रिटर्न्स फॉर दिस टू स्टॉक्स एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच लिस्टेड बिलो, ऐसा कुछ दिया है तुमको हां, और तुमको बोला है बेस्ड ऑन द रिटर्न्स कैलकुलेशंस व्हिच स्टॉक शुड द इन्वेस्टर परचेस। तुमको ये देखेला लगता है क्या कहीं पे, कहीं देखेला लगता है क्या? बताऊंगा किधर देखा, निशियन जेंसी देखा, जेंसी और निशी तेरा नाम फेमस कर दिया, मैं सब लोग तेरा नाम बुला रहे। कौन सा स्टॉक लोगे इधर, निशी निशी मत बोलो ना, नाम 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 अलग है, इसका 2.8 आता है, इसका 2.75 आता है, बोलो कौन सा इन्वेस्टमेंट लोगे तुम लोग, मैसेल कंपनीज। हाँ तो ढूंढो, यही आएगा ना, क्योंकि देखो इसको लिखना ना, मैं ऐसा सिर्फ लिख देता हूँ, इसका 2.8 आया था और इसका कितना आया था 2.75 बराबर, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड रेट क्या है, हायर है, इसलिए मैं लूंगा। किसने मेरे को कुछ पूछ रहा है क्या कोई? हाँ और बोलो। नहीं सर पूछ नहीं रहा था, आंसर बता। क्वेश्चन नंबर 3 सर वो बी 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 क्या है, वो जो आंसर था ना अबव, बिकॉज़ वेटेड डाउनसाइड रिस्क इज लोअर। सर एक तो पहली चीज ना, यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है और प्रोबेबिलिटी दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द रिस्क, तो रिस्क का तो वैसे भी नामो निशान नहीं है, यहां पे वी आर फोकसिंग ऑन ओनली रिटर्न्स एट दिस मोमेंट, ठीक है ना? वो नहीं, हां वो इसका नहीं करने का, करना है ठीक है आ जाओ आराम से सम पढ़ना। किसका बोल रहा है, इसका आंसर बोल रहा है एक, नहीं रॉन्ग। इफ द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 10%, ये क्या दिया एक्सपेक्टेड रेट, इतना मारूंगा ना ये आरएम है, आरएम है एंड दिस फेज इट इज 5%, दिस इज आरएफ। व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स स्टॉक of an increase in the beta coefficient from 1.2 to 1.5. सुनो ध्यान से सब, दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा कितना आता है, फिर उसको चेक करना पड़ेगा कितना हो गया, ठीक है? चलो सबसे पहला इसका इसका लेते हैं, पहले 1.2 का सॉल्व करेंगे, ठीक है? आ जाओ पहला 1.2 क्या क्या कर रहा हूँ मैं, 5% डायरेक्टली, ये मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, 5% प्लस 10% माइनस 5% समझा क्या, बराबर मल्टीप्लाइड बाय 1.2, मेरे को डायरेक्टली आंसर चाहिए। सबसे पहला 5 लिख, शॉर्टकट बता रहा हूँ सुन, 10-5 इस 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 प्लस 5 प्लस 5 11%। दूसरा करते हैं सॉल्व, सेम कैलकुलेशन विल बी देयर, 10% माइनस 5% मल्टीप्लाइड बाय 1.5, पहले क्या करोगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 5% 12.5 आंसर बोलो, 1.5 इंक्रीज
सर इसे अगर हम एक और तरह से कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ दो बार मल्टीप्लाई करने की जगह 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे सर, मैं उससे भी अच्छा आपको मेथड ये बताता हूँ। 1.2 माइनस 1.55 आएगा सर, और 0.3 इसी मेथड से करने के लिए कह रहा था मैं। सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा 1.5 सर। पर एक लॉजिक बात बोलो, एक बात बताओ सर, तो सिंपल देख के पता चलता है कि 1.5 इंक्रीज होगा। कैसे? ऑब्वियसली ना सर, 1.2 से 1.5 हो गया बेटा, फिर मार्केट इंक्रीज ही होगा ना 1.5 से। अरे सुना सुना सर, बेटा ए इश रोहित क्या दिमाग लगाया सुन, वो बोलता है सर 1.2 से 1.5 हो गया, एक्सपेक्टेड रेट तो इंक्रीज ही होगा ना रोहित, उससे तेरा ये आंसर कैंसिल हुआ, ये आंसर कैंसिल हुआ। फिर सर मैं क्या कह रहा था कि मुझे देख के मतलब सर, देखो बीटा अगर 1 रहेगा तो हमें समझना है ना कि 1 से इंक्रीज होगा। बीटा अगर उन्होंने बोला 1.2 से 1.5 हो गया तो लॉजिकली बात है 1.5 इंक्रीज, डायरेक्ट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी। अबे ए हीरो, तो तेरा इंक्रीज में एक ए 3% दिया है और दूसरा 1.55% दिया, तेरे को कैसे मालूम कि राइट कौन सा? बोल बाद में बात करते हैं। नहीं तू अब भी कर तू इन बाद में 1.2 से 1.5 हुआ तो बोलता है आंसर इंक्रीज ही हुआ ना। नहीं ही इज सेइंग दैट कि 1.5 दोनों जगह पे मिल रहा है, ये 1.5 से इंक्रीज हो रहा है तो आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 1.5 वी कैन कंसीडर। यही कह रहा था मैं, ये सब मत लॉजिक लगाना, आंसर कुछ भी आएगा भाई, स्टिक टू योर बेसिक रूल्स। कुछ भी तो भाई तुम लोग आज चुप बोल सॉरी बोल बेटा 11 से 12.5 हुआ तो इंक्रीज ही होता, नहीं वो लोग कुछ अलग ही बोल रहे, तुम मत ध्यान दो। आदत है सर सहलेंगे वो बोलता है मैं ही क्यों नहीं, इधर भी कुछ लोग है बेचारे फालतू में मार खाते, इधर भी गर्ल्स गैंग में बेचारी मैत्री है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी स्टॉक बीटा इज 0.5, a currently risk-free rate return is 2, market risk 1 minute. ये क्या दिया उसने? आरएम माइनस आरएम। चलो लगाओ फॉर्मूला, लगाओ सॉल्व करो। क्या वही है सॉल्व कर, सॉल्व क्या कितना है? 6% आया, लेकिन मेरा एलडी आंसर है 0.2 आया सर। सही में पूछना है इसके सामने क्या देख कितना था, बोलता है मेरा आंसर सही आया, बोला क्या आया, बोलता है ए मैं लिखा हूँ 5%, ए का आंसर है 6%। नहीं दे सी है देख अरे दे विजय क्या करूं मैं तेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व इट। उसने मांगा क्या है देखो ना, सब ध्यान से देखो, उसने रिस्क प्रीमियम तुमसे मांगा है, मतलब तुम समझ रहे हो, उसने टोटल मांगा है तुमको आरएम माइनस आरएफ का। थोड़ा मैथ्स है, सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करके दूंगा, आंसर बुक आंसर में तुमको दिखाऊंगा बात। प्योर मैथ्स सिंपल सा मैथ्स रूल चाहिए तो आई कैन हेल्प यू विथ दिस।
Devanshi right, Mansi is right. हाँ मैं वही वही बोलू क्या हो गया दीप क्यों टेंशन लेता है इतना गुड प्रियंका 7.3 कब से 4.4 बोल रही मैं सुन ही नहीं रहा हूँ इसका 8.28 ये बहुत हंसी है जब तेरा मजाक उड़ रहा है ना तो ये सबसे ज्यादा खुश है ये बीटा थोड़ी है ये मैं भी क्या क्या कर रहा हूँ ये आधे माइनस आधे पाया ना यार रिस्क प्रीमियम है मतलब 600 का नहीं करेगा चल ये अगर मैं सॉल्व किया ना तो तुम्हारा तौहीन है ये कि ये सम सॉल्व हुआ क्या ढूंढ रहे हो तीन डिटेल मांगता है तीनों दिया है बीटा दिया है आरएफ दिया है आरएम दिया है और क्या एक्सपेक्टेड रेट पूछ रहा है तुमको कभी भी तुमको रिस्क एडजस्टेड मिला मतलब समझने का बीटा को फैक्टर लेके बताओ क्या क्या आता है अरे मां कसम तुम लोग सम देख के डर क्यों गया तुम लोग कुछ है ही नहीं सम पहले माइनस करने का फिर मल्टीप्लाई करने का फिर प्लस का सर वो क्या बोले रिस्क एडजस्टेड है तो बेटा बीटा सर एक बार ऊपर हाँ बस बस एक मिनट के लिए यहाँ पे स्टॉप कीजिएगा ना प्लीज हाँ सर ये सेम चीज है तुमको एप्लीकेशन में अभी अभी मिलेगा उसमें आंसर्स थोड़े से मैं फ्लिप फ्लिप कर दूंगा तुम लोग वहां से चेक कर लेना हर मॉक टेस्ट में 20 सम्स और प्रैक्टिस मतलब ट्रेन में बैठे बैठे हो गया सर आगे जाओ यस सर देखता हूँ ये कितने लोग को आता इट सेज दैट डिफरेंस बिटवीन required rate of return and the return given by risky investment and that on the riskless investment with the same expected utility. Risk premium sir, D? मैं तेरे से expect करता था, इसलिए मैं तेरे को देखता हूँ कि तू कहा D. ये बेटा कैसे होगा इसमें risk किधर किधर बोला? पहली चीज तो एक वर्ड देख के ना तुमको उधर पे आगे सेंटेंस पढ़ना ही नहीं चाहिए था डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन ऑन द रिस्की इन्वेस्टमेंट कैन आई से दे आर टॉकिंग अबाउट आरएम और ये दैट ऑन रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट दैट इज आरएफ आरएम आरएफ इसका डिफरेंस क्या होता है चलो क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज मेरी बात समझना ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में किसी बुक में नहीं बना ये क्वेश्चन एक लाइन का था उसको जानबूझ के मैंने दो लाइन में कन्वर्ट किया ये सम ऐसा हो सकता है ना कि मैं बना तो दिया हूं शायद मेरे से भी सॉल्व ना हो बट वी विल ट्राई ओके इट सेज स्टॉक जे हैज अ बीटा ऑफ 1.2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15.6 And the stock K has a beta of 0.8 and expected return is 12.4. तुमको समझा directly answer दिया उसने 15.6 X का है मतलब sorry J का है और K का 12.4
what is the expected return on the market and the risk-free return consistent with the capital asset pricing model? मेरी बात प्लीज सुनो. इसमें तुमको आर एफ भी नहीं दिया और आर एम भी नहीं दिया. जो लोग भी एस पी वालों हो मेरे को माफ करना, नॉन मैथ्स वाले, लेकिन मैं सिखाएगा तुमको इसको, ठीक है? अब मेरे को ना बस थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प लगेगा एक चीज में. ध्यान से मेरी बात देख, समझ व्हाट आई एम डूइंग. एक इक्वेशन नंबर पहले मैं जे का बना, ठीक है? फॉर्मूला लिखते हैं. क्या मेरे पास आर है इस टाइम पे? आर एफ है क्या? किधर? नहीं है, पता पता. तो मैं इधर जे का सॉल्व करता हूं. मैं लिख रहा हूं 15.6% इज इक्वल टू आर एफ. किसी का माइक किस बंद कीजिए. आर एफ ओके. बीटा कितना? 1.2 ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ. पता पता. इसको तोड़ दे क्या? थोड़ा तोड़ो. चलो 15.6% इज इक्वल टू आर एफ प्लस 1.2 आर एम माइनस 1.2 आर एम. बचपन का मैथ्स. बराबर. अब इसको थोड़ा और अपन तोड़ेंगे. 15.6% इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2. कितना आता है 1 माइनस 1.2? 0.02 माइनस समझा क्या सबको? वन से माइनस क्यों हुआ वो बताओ बेटा. ये एक एक होता है ना, ये कुछ नहीं दिया तो एक हुआ. ओके 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 ओके. सर बोल. जो आर एफ आपने जो सेकंड लाइन में लिया है 1.2 का, वो आपने आर एफ को 1.2 क्यों लिया जबकि अपने पास आर एफ तो है नहीं ना? रहमत 10th पास है ना? हाँ बेटा. जब ऐसा होता है तो ये मल्टीप्लाई इससे भी होता है और ये मल्टीप्लाई इससे भी होता है. हाँ, करेक्ट. हाँ समझा समझा. सर आगे लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल करके सॉल्व करेंगे. करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट, वही करना है. बोल. अरे देख, बोलते हैं ना कि कुछ नहीं तो उसको वन वन लेते हैं ना. अभी मैं कोई एक नंबर लिख रहा हूँ 4. इट इज अज्यूम दैट इट इज प्लस 4. कुछ नहीं दिया है उसका मतलब 1 है उसका वैल्यू. 1 आर एफ कोई भी नंबर नहीं दिया ना. अभी जैसे कोई तेरे को बोलता है एक्स है बेटा, इसका वैल्यू ये होता है 1x बोलते हैं उसको. 1 लिखा नहीं जाता, समझा जाता. सर अच्छा हुआ बीएमएस में मैथ्स सब मुझे समझ आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी सेकेंड इक्वेशन बनाता हूं. इक्वेशन नंबर 2 बनाओ. चलो ये सम ये बनाया है मैंने जानबूझ के, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा सम. आएगा आएगा एग्जाम में सम. तुम लोग जितना लेट करोगे मैं आज उतना लेट क्लास छोड़ेगा. 12.2. क्या हो गया तेरे को? पहले आ गया 1.8. हाँ सुनो आगे. आरएम मैं भूल गया. ब्रैकेट में आरएम माइनस आरएम. हाँ सॉरी आरएम माइनस. अभी सुन, देखो इसका आंसर बताओ मेरे को. आर एफ 1 है और पॉइंट अभी कितना आएगा? माइनस
एक माइनस पॉइंट जीरो एट इसका प्लस में आएगा, प्लस पॉइंट टू आएगा, देख दीप इधर वन है वन आर एफ बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा पॉइंट एट आर एफ प्लस पॉइंट जीरो टू या टू पॉइंट टू आर एफ, बड़े नंबर का साइन लिया ना, हाँ वेरी गुड, अरे वाह कहाँ से सीखा है ये सब सर, बीएमएस में अकेले मैच किया था मैंने 10 दिन पहले, क्या आप सबसे अलग हो, यस सर, ठीक है सुनो अब मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूँ, देख देख यहाँ से ध्यान, एक मिनट सुनो ध्यान से सब लोग, शिट अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं ना, हाँ सर कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ एक मिनट, कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ सुनो अभी दो इक्वेशन बना, प्लीज मेरा मैथ्स बहुत वीक है माफ करना मेरे को, 15.6% अगर तनिषा तो भी बोली तो करवा क्यों रहा, तो को सर फोड़ दूंगा मैं तेरा, लेफ्ट का भी काम करना है 12.4% माइनस 0.8 आर एफ प्लस 0.2 आर एफ, ऐसा कभी इक्वेशन हुआ तो ये कैंसिल हो जाता है ना 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 ना, लेकिन ये कैंसिल अगर माइनस होता तो साइन चेंज करना पड़ता है, वो सब छोड़ो, हाँ अरे ये बचपन में किया है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये आएगा 28%, चेक कर एक बार, और ये आएगा कितना आता है देख, RM will be 14, 2 RM ना सर, 2 RM सर 1.2 है, 0.8 2 RM, अच्छा अच्छा sorry sir, you are seeing answer, yes 28 divided by 2, ठीक है सर चलिए 14, अब मेरी बात सुनो, RM आ गया कोई भी equation में घुसाओ इसको आंसर आ जाएगा, कौन से equation में घुसाओ लास्ट वाले में इजी वाले में, चलो मैं इसको उठा रहा ये इक्वेशन, ठीक है चलो आ जाओ लेट्स सॉल्व दिस, यहां पे बता एक लड़की ना ऐसी है ना दिल से मेरे को गाली दे रही है, आस्था बस हाँ या ना में जवाब दे रहा, हाँ और ना बस इतना ही बोल रहा, नहीं दे दी गाली आस्था ही नहीं क्लास, चलो एक मिनट पॉइंट एक मिनट रुकना, 14 माइनस आर एम बोल लो रॉन्ग किया तो क्या कर, हाँ अरे हाँ हाँ एक मिनट एक सेकेंड मैं कोई भी क्वेश्चन लेगी तो सेम ही आएगा, बट हाँ ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना ऐसा बोल दी, चलो ये क्या आया था इधर यार आरएफ था, अरे ये तुम लोग क्या चल रहा है उसमें, सालो एग्जाम में आ गया ना किसी बच्चे के, किसी को नहीं आएगा ये, तुमको ये सम आता होगा, ये क्रिएटेड सम है, शुक्र मना मैं पेपर सेट नहीं करता सर, रिस्क फ्री विल बी 6%, बी आंसर आएगा, मार्केट साइड 14 है और रिस्क फ्री 6%, राइट सर राइट एक्स एब्सोल्युटली राइट सर 6 है, कितना ये कितना 11.2 प्लस 0.2 आर एफ, अभी तुम लोग कुछ कुछ करो, आर एफ तुम्हारा इधर पे आएगा कितना आएगा आर एफ कितना 6% आरएफ एफ छे, तो कुछ बोला क्या उसको, चलो आरएम इज दिस ऐसा सम किसी बुक में नहीं अपने वाले, देखो आज प्राउड फील हो रहा है ना, अच्छा हुआ मैथ्स लिया था, चलो 14 एंड 6 चलो आगे सर, आपने क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस याद करा दिया सर, अरे थैंक यू सर, मैं जब सम बनाया ना तो तीन बार तो मेरा ही आंसर नहीं आया
आई स्वयं बता रहा हूँ एक बार बीच में भी कुछ ऐसे ही किया था, गॉर्डन फॉर्मूला किसी में तो खुद का सम बनाया, बच्चे लोग भी पागल, मैं भी पागल, बोला छोड़ो ये एडिट होएगा वीडियो। हाँ मैं नहीं छोड़ा हूँ क्लास। अरे अ फर्म हैज अ बीटा वैल्यू ऑफ 1 देन इट्स, इतने पागल हो तुम लोग, कुछ भी आंसर तुम लोग दे रहे हो। अगर बीटा 1 हुआ तो रिस्क फ्री रेट का होता है, आर एफ का 0 होता है। मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल मार्केट, सिस्टमैटिक रिस्क बोला था उसको मैं। मैथी लाइक हाँ हाँ मैंने आंसर सही दिया तो मुझे क्यों दिखा। मार्केट का बीटा भी वन ही है बोला था आपने। ओ आप इतने स्मार्ट कैसे बन गए सर, आपके कारण। ए 10 करने का सॉल्व। चल आ जाओ। अ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज मेजर्ड बाय, एक सिक्योरिटी बोला उसने, आज ही पढ़ा है मैंने, आज ही स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर सुनना ये सम अगर बोलता कोवेरियंस, कोवेरियंस बोलता तो क्या आंसर आता, डी आता, ए आता ना, अगर अदर्स तो ए आता ना, ए ए ए सॉरी मैंने कोवेरियंस बोला, कोएफिशिएंट नहीं बोला, कोवेरियंस बोलता तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सिक्योरिटीज, बराबर। चलो A market analyst has estimated the equity beta of a company is to be 1.4. This beta implies that a company's एक मिनट पहले मैं बात समझ, ये सिक्योरिटी का बीटा, मार्केट का बीटा इज 1। चलो क्या बात है यार, कितना अच्छा पढ़ा था यार मैं। अच्छा मैं हर सम में बोल रहा हूँ ऐसा, अच्छा इस सम के बाद छोड़ दो, क्लास छोड़ दो, ठीक है सब, ठीक मैं छोड़ देता हूँ सब सम, होमवर्क कर लो। चलो सर बोलना है सर। सर बीटा तो सिस्टमैटिक रिस्क पे भी अप्लाई होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क पे भी अप्लाई होता है। ठीक है सुनना, बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिक्योरिटी का, मार्केट का रिस्क, मार्केट का बीटा इज 1, तेरे सिक्योरिटी का बीटा इज 1.4 करेक्ट। अगर तेरा सिक्योरिटी का बीटा 1.4 है तो ये तेरा बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, तो तेरे सिक्योरिटी का मार्केट से ज्यादा है ना रिस्क। हाँ हाँ बराबर ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा आराम से पढ़ना, चांसेस है बाउंस जाएगा बट मेरे को यकीन है तुम लोग राइट आंसर दोगे, कोई खाई खाई नहीं करेगा, आराम से इसको पढ़ना, आंसर रॉन्ग होने का चांस है। पहले मैं तुम्हारे साथ में पढ़ता हूँ, कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, ए बी सी कोई नहीं चिल्लाएगा, जिसको आंसर देना चैट बॉक्स में देंगे। स्टॉक ए एंड स्टॉक बी आर कंबाइंड इनटू इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो, व्हेन आई से इक्वल वेटेड मतलब अगर दो सिक्योरिटी है तो 50-50, बराबर, अगर तीन सिक्योरिटी है तो 33-33-33 है, बराबर ना, और क्या बोल सकता हूं मैं, 25-25-25-25-25 equally weighted. If the stock A has a standard deviation of return of 30%, stock B has a standard deviation of 30%. मतलब वही हुआ, same समझ। And portfolio of the two stock has standard deviation of 30%. A correlation coefficient return between these two stock. आप कैलकुलेट कर देते तो सिखाया ही नहीं था तो आप कल क्या देते। नेक्स्ट टाइम से ना सुबह 5 बजे सर
हाँ सर, बोल 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 आशा, तू 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 बोल पहले। मैं नहीं थी, और कोई था। ए, कौन सी लड़की थी सर? सबको आप प्रियंका बोलना सर। 30 नंबर कैसे है? 30 नंबर कैसे मतलब? ये वाला तो बोल रही है। अच्छा 30 बोल रही। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ मैं। Yes. आंसर कैसे आया वो पूछ। प्रियंका सुनना, ये आंसर देखना, 30% इसका भी है, 30% इसका भी है। मतलब अगर ये 30% बढ़ा तो ये भी 30% बढ़ेगा। तो प्रियंका इसका कोरिलेशन 1 ही हुआ ना? Yes. बराबर। वो रोहित अभी बोल। अगर एक 25% होता तो 0.5 हो जाता ना वो कोरिलेशन। Yes. क्या पढ़ाते हो सर? साले ये होना ही मांगता है। सॉल्व करो। नहीं बनते, छोड़ो। तुम लोग को मजा नहीं आता क्या ऐसा सब करके? नहीं, मेरे को दिखाने की कितना समय? तो मैं 5:30 के पहले नहीं छोड़ूंगा, और जब तक ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं होता है मैं नहीं छोड़ूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो आ जाओ, गाली दे दी मन में। चलो स्टार्ट करो। द रिटर्न ऑफ द मार्केट इज 11% and the risk free rate is 6%. सुन ना, ये expected return तेरे को बना के दिया उसने, बराबर है। और बोलता है if the capital asset pricing model is used for the calculating required rate of return, which investment should be management taking? अरे solve तो करो पहले, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? solve करो इसको। निकली, अब जाइए घर पे, जाइए घर पे, जाइए 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 जाइए। एक बात बताओ, रिस्क प्रीमियम सबका सेम होएगा, ओके? अब मैं बात बता, इसको कुछ मत करना। मैं तुमको सिंपल सा एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ। 6% प्लस 1.4 माइनस, सॉरी ब्रैकेट में 6 माइनस 11 इज 5। बस ये कैलकुलेट करो फटाफट, इसका आएगा 13%। क्वेश्चन में ना एक चीज मैं चेंज करता हूँ, नहीं मैं चेंज नहीं करता,
1.5 ब्रैकेट में 5 इज 13.5 बराबर। ठीक है, अब मैं बात प्लीज समझो, ए बी सी एक्सपेक्टेड रेट उसने दिया है 12, 11 एंड 13। अब मैं बात समझना, थोड़ा समय तुमको ना डाउट आएगा, विच इज वेरी वेरी लॉजिकल। एक्सपेक्टेड रेट उसने दिया, तो अभी मैं चलो निकाल के लेके आ रहा, अज्यूम कर ये मेरा रिक्वायर्ड रेट है जो आया, अज्यूम करने बोलो कितना कितना आया, 13, 10 एंड 13.5। ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ योर एक्सपेक्टेशन इज 12% एंड योर रिक्वायर्ड रेट इज 13%, विल यू एक्सेप्ट दिस इन्वेस्टमेंट? रिजेक्ट। आज ही पढ़ा है, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया है, बस रिक्वायर्ड इधर लिखा था, एक्सपेक्टेड वहां पे लिखा था, तुमने रट्टा मार लिया वही चीज। रिक्वायर्ड तुमको चाहिए था रिक्वायर्ड था 13, कैलकुलेशन से कितना आ रहा है 12, ऑब्वियसली यू विल रिजेक्ट। रिक्वायर्ड था 10, एक्सपेक्टेड आया एक्सेप्ट, लास्ट वाला रिजेक्ट। कौन सा इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे? बी, ओनली बी। हाँ वही तो है, क्या हुआ, तो मिस्टेक किया है कुछ, थोड़ा सा ऐसा कैसे हुआ मिस्टेक, नहीं होना मांगता मिस्टेक, नहीं नहीं करने का मिस्टेक, ये तू घर पे जा, जा घर पे जा, चल बाकी जैसे आ जाओ। सुन, अ कंपनी यूजेस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू कंपेयर, इसको स्टामक कर रहा हूँ सब, अपने नोट्स में भी है सब। A company uses the coefficient variation of a to compare the returns and the risk of the project. Expected returns and the standard deviation of the returns for the Optal project and the Pearl project are shown below. Please मेरी बात समझ, तो मैंने बाल्टिक का अर्थमेटिक से। चल, expected return बोलता है 10% है, और Pearl बोलता है 12% है, standard deviation 40% है और 54% है, बराबर है। The company most likely to judge riskier project to be, एक 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 फॉर्मूला बताता हूँ तुमको, एक फॉर्मूला बताता हूँ, सुन सिर्फ ध्यान से समझ, बराबर रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा इसको। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नहीं सॉरी सॉरी मैं एसपी वाला हूँ यार, हो गया ना यार। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सुनो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे होता ना, बीडी, मैं इसको बीडी बोलता हूँ, एसडी, सो एसडी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, बराबर। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा है, रिस्कियर चाहिए ना, हाँ ऑब्वियसली। ये अगर ऐसा देखिए तो इसको बिना सॉल्व किए भी वी कैन से 4.5, बट एक्चुअली 4.5 लाता तो सही है, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। चलो हाँ आएगा ही आएगा, एसडी डिवाइड। चल सबसे पहले ओपल का देखते हैं, ओपल, ओपाल, 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 क्या मैं ऐसा क्यों हूँ, आपका किटी पार्टी बंद हो गया तो मैं पढ़ा दूं, चलो बोलो। ओपल विद अ कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ 4, पर्ल विद अ कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ 4.5। अब सुनो, तुम लोग अंधाधुन इसको टिकड़ी तो मार दोगे, बराबर, अगर सम सॉल्व नहीं हुआ, क्या पता गलती से ओपल का अगर 4.5 आ गया होता तो तुमको समझा क्यों कैलकुलेट करना पड़ा, रिस्क में तुम डाल दिया, या तो ओपल का 5 आंसर आता तो, तुम समझे हो, मिस्टेक होने का चांस है,
इसके लिए याद रखना कोएफिशिएंट वेरिएशन एक ही समय है ऐसा क्या किया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न सब में सब दिया होगा तुमको कोई निकालने का जरूरत नहीं है क्या 21 हम सॉल्व कर रहे हैं नहीं नहीं कर रहे हम लोग क्या बात कर रही है अच्छा ये सॉरी ये एनपीवी वाला समय ये नहीं करेंगे 22 भी नहीं है 23 चलो लग जाओ काम पे ट्रेजरी सिक्योरिटीज ए रियल आरएफ चलो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो आरएम क्या में चुप तुझे मेरे बंद मस्का की कसम एक 23 का मैंने आंसर टिक नहीं किया जल्दी बोलो ए आता ताकि याद है 5% 12-5 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 पहले 12-5 कर बेटा कर 7 आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 अरे हाँ बाबा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 प्लस 5 20.4 यस सर अरे भाई रिस्क प्रीमियम पूछा है सही तो है बोल कि ये कितना आया 15.4 मतलब तो करना पड़ेगा ना लेकिन ये मैं समझ नहीं पा रहा तुम लोग क्या बोल रहे हैं जो 5% है ना उसको ऐड कर दे तो 20.4 हो रहा है नहीं ऐड कर दे तो 15.4 दिस पे प्रीमियम को सर अरे लेकिन आंसर यही है तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस प्रीमियम को सर तो साथ में आंसर हां सर बोल हम रिस्क मैम उन्होंने पूछा है तो हम लोग बीटा क्यों काउंट कर रहे हैं रिस्क में तो आर एम माइनस आर एफ ही होता है ना नहीं नहीं एक एक सेकंड एक मिनट इसको बाद में अपन सॉल्व करेंगे एक कॉन्सेप्ट है ये मैं ना उसमें उसमें सिखाऊंगा पहले इसको इसको लिखना उसमें 23 लिख उसमें ये मैं तुमको मॉडल की बात बताऊंगा नहीं सिक्योरिटी सिक्योरिटी बीटा करके एक है वो अपन वो बाद में करेंगे नहीं सिर्फ पेंडिंग वाली 24 नहीं है 25 है क्या चलो अ मेजर दैट डिस्क्राइब रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू अदर इन्वेस्टमेंट इन जनरल ए ए आंसर ही नहीं है बेटा इसमें पढ़ पहले अ मेजर दैट डिस्क्राइब रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिलेटिव टू अदर इन्वेस्टमेंट्स कोवेरियंस था ना राइट बी बीटा मैं दिया था राइट आंसर में अरे इन जनरल बोला ना भाई इन जनरल इज व्हाट मार्केट लिखता हुआ था इन जनरल मार्केट कितना बुरा होना मैं बहुत ज्यादा 26 है क्या छोकरी चलो लग जाओ काम पे सिंपल है आंसर डी आएगा मार्केट रिटर्न मैं सीधा इस पर टिकड़ी मार रहा हूँ तुम लोग देख लो मैं कह दिया ना छोड़ देखो घर जल्दी छोड़ना है ना इसलिए क्वेश्चन 27 कर पाओगे क्या मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ 7.5 आता है चेक कर लो एक बार कुछ नहीं इसका मल्टीप्लाई कर दिया चेक करो यस यस बोलो उसके बाद में आगे बढ़ो
यस सर डन क्या हुआ बी आता ना सिक्स बी बी डी आया सोलह परसेंट ए ये तो चौदह माइनस छह कर पहले फोर्टीन माइनस छह कर मल्टीप्लाइड बाय 1.25 प्लस 6% प्लस 6 क्या कर रहा है तू फिर से कर चल 14 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू प्लस 6 आर यू श्योर अरे 29 द टर्म 30 है अच्छा 29 करने का अ फर्म हैज अ 4 लाख टू इन्वेस्ट इन अ टू A firm has a 4 lakhs to invest in a 2-stock portfolio. To obtain zero portfolio risk, the 2-stock must be. Aaram se answer dena. A perfectly positively correlated. Oh sir, absolutely wrong sir. C, C. C ho sakta hai sir. Equally weighted bhi to ho sakta hai sir. Ek tumko hint do kya? Ek tumko hint do kya? देखता हूँ कितने लोग को ये समझ में आता है तो इक्वली वेटेड होना चाहिए समझो मेरे को आंसर दो परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड एक बढ़ेगा तो एक घटेगा इक्वली आएगा ना उसको जीरो रिस्क चाहिए इक्वली वेटेड नहीं आएगा भाई जीरो रिस्क चाहिए सेपरेट इंडस्ट्री ग्रुप से डाइवर्सिफिकेशन नहीं सर वो भी नहीं इनवर्स इलेक्शन डी 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 परफेक्टली नेगेटिव हां इधर पे सब आपस में झगड़ा कर रहे एक प्लस 1 होगा एक माइनस 1 होगा तभी जाके तो आपका रिस्क जीरो आएगा ओके गॉट इट सर थैंक यू बी आएगा ना सर इक्वली वेटेड एक मिनट रिस्क जीरो हुआ तो कैसे प्रॉफिट नहीं आएगा बता मुझे बट एक बात बता माइनस कोरिलेशन मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अभी एक बात बता मार्केट डाउन गया तो तेरा सिक्योरिटीज गोइंग अप यहां पे पोर्टफोलियो का दो अलग-अलग हां सो ना अभी देख छे तू क्या सोच रहा है मालूम माइनस यू आर थिंकिंग एज नेगेटिव नेगेटिव साइन बट इट्स एक्चुअली इट इज नॉट नेगेटिव साइन व्हाई इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन सिक्योरिटी विल गो अप इसको भी तो नेगेटिव कोरिलेशन ही बोलते हैं ना नॉट मार्केट सॉरी दो सिक्योरिटी का ले अगर एक का डाउन गया तो दूसरा संभाल लेगा ना कैसे नहीं होगा ये प्लस और वन वाला तो है ना अगर एक सिक्योरिटी बढ़ा तो ये भी बढ़ा कैसे हाँ तो वही तो चाहिए उसको जीरो पोर्टफोलियो रिस्क चाहिए ना मेरे को रिटर्न तो मिलेगा ही बेटा रिटर्न नहीं मिलेगा तो कैसे इन्वेस्टमेंट पैसा डालेगा एक मिनट तू कैसे बोल सकता है कि ये इंडस्ट्री अप गया तो ये डाउन ही जाएगा नहीं ना और पहली चीज तो मैं इंडस्ट्री कैसे ले सकता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो ना देखो पोर्टफोलियो का रिस्क ये करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक अगर मार्केट से बाहर गया देख लेना फिर तुम्हारा क्या आस्था बोल हाँ सर जीरो पोर्टफोलियो रिस्क आपने बोला अगर इक्वली वेटेड होता तो रिस्क कैसा होता हमारा सुनना जब मैं इक्विटी वेटेड बोलता हूँ ना तो 50% तू एक्स में डाल रही है और 50% वाई में तुझे कैसे मालूम कि एक अप है तो ये अप नहीं होएगा वेटेड का मतलब तेरे पास 1 लाख रुपया है तो 50K तूने इसमें डाला 50K इसमें डाला तो तेरा पोर्टफोलियो रिस्क जीरो कैसे हुआ तुमको समझ हाँ. में आया इक्वली वेटेड का मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ 1 लाख रुपया 50 तुमने इसमें डाला 50 उसमें डाला मेरे को ऐसा मुंह मत दिखाओ तुम लोग कि सर अब तो छोड़ दो
अब तो छोड़ दो सर, बस वो इक्वली वेटेड है ना, वो इक्वली वेटेड है, उसमें कोरिलेशन पता नहीं हमको, इसलिए वो नहीं चूज कैसे होगा। मतलब मैं वही बोला ना, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, 50 ए में डाल 50 बी में डाल, वो थोड़ी तेरा पोर्टफोलियो दिस विल गिव यू जीरो। नहीं ना बेटा, तुम लोग इक्वली वेटेड का मतलब नहीं समझ रहे। 1,00,000 तुम्हारे पास है, 50 मैंने ए में डाला और 50 मैंने बी में डाला, ये थोड़ी कोरिलेशन का बात होता है। वेटेड इसको बोलते हैं कितना परसेंट तुमने डाला, ये 50% हुआ, ये तुम्हारा पोर्टफोलियो में कैसे आएगा, ये तो बस तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। तुम समझा क्या देवांशी? यस सर। हाँ चलो, द टर्म बीटा बेस्ट डिस्क्राइब्स एज डी। नहीं ये मैं करवा सकता हूँ सर, मैं करवाऊंगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन मैंने खुद पेंडिंग छोड़ा। चल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकली मेजर्स द वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न्स टुगेदर विद देयर कोरिलेशंस विद द रिटर्न्स ऑफ अदर सिक्योरिटीज। आज ही पढ़ाया है, फिर नहीं आएगा तो मैं समझाएगा, डोंट वरी। कोवेरियंस ऐसे हो मार्क दिस सम इज इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं छोड़ दो क्या? हाँ। तुम बस बोलो छोड़ दो क्या? नहीं छोड़ूंगा 32 का। चल एक सम और, बस एक सम और, उसके बाद अपन जाएंगे। एक 32 के बाद एक और सब, अच्छा समय वो वी विल सॉल्व। चलो बोलो बोलो बोलो, विच टू सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन वुड बेस्ट लिमिट द रिस्क? ए एंड बी। क्यों बोल रहे थे दो ऐसा? सोचो 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 आराम से सर। मैं इसमें पैसा कभी जिंदगी में ना डालू, उसका रिटर्न ही 1% है। और दूसरा एक बात बता, अगर मेरे को रिस्क फ्री लेने का ही है तो मैं रिस्क ये ऐसा करूँ ना, मैं रिस्क ही नहीं ले, मैं लेता हूँ बराबर ना। 14, 8 चल कितना कम होगा, 1 से तो ज्यादा ही हुआ ना। क्या करूँ बोल सर, समझ नहीं आया। सी वाला जो 1% वाला, जीरो रिस्क लेके यू विल अर्न 8%, सॉरी 1%। आस्था बोलना। हाँ। एक बात बता, जीरो रिस्क लेके 1% कमा, इससे अच्छा थोड़ा रिस्क ले और एक नेगेटिव बीटा वाला सिक्योरिटी उठा, कम से कम ये तो मिलेगा, इसका भी तो बीटा जीरो ही आएगा। समझ गए, पर इसमें क्वेश्चन में बोला है ना कि रिस्क को लिमिट रखना है, इसीलिए क्या करूंगा 50% ए में डालूंगा 50% बी में डालूंगा मैं, सिंपल। सर ये 29 क्वेश्चन की तरह ही है ना, जैसे परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है दोनों। नहीं सर, उसे देखो ना, उसने क्या बोला मेरे को रिस्क लिमिट करने का, आइडियली द आंसर शुड बी सी, बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर मैं सी कर रहा हूं तो आई एम जस्ट गेटिंग 1% रिटर्न। ओके, तो अगर मुझे जीरो ही रिस्क लेना है तो एक काम करता हूं ना, एक बीटा एक का उठाता हूँ, दूसरा वाला -1 का बिठाता हूँ, टोटल पोर्टफोलियो मेरा जीरो का ही हुआ ना। गॉट इट। ए आस्था वाला कैसे सर, वो पोर्टफोलियो जीरो हुआ वो कैसे, किस क्या बोल रहे आप मुझे समझा नहीं। अबे ये सिक्योरिटी का वैल्यू 1 है, इसका 0-1 है, तो पोर्टफोलियो का बीटा कितना हुआ बता मुझे, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना हुआ? बोलता क्यों नहीं, बोलना। अरे बोल, नहीं समझा इसलिए तो मैं पूछा आपको। अभी ए का बीटा इसमें से एक मिनट सर, सिक्योर इन्वेस्टमेंट तो ए ही है ना इसमें। हाँ ऑब्वियसली, नहीं सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकता क्योंकि मार्केट में पैसा डाला हुआ है। ओके ठीक है, रोहित सुन, ए का बिट कि कितना है बेटा? 1। यस सर। बराबर, मतलब तूने मार्केट में पैसा डाला।
बी सिक्योरिटी का बीटा कितना है? माइनस वन. तेरा पोर्टफोलियो सपोज ए और बी का ही अगर होता तो कितना आता? हाँ ठीक है, वन माइनस वन. अब इसको ले बी और सी का, अगर बी और सी तुम उठाते तो तुम्हारा ये माइनस वन आता बीटा. इज इट गुड? नहीं सर. नहीं, माइनस वन तो एग्जिस्ट भी नहीं करता आपने बोला. ऑब्वियसली अभी ए और सी लेते. चल तो मैं क्या करता हूँ, वन मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट टू फाइव प्लस पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाय जीरो. तेरा ये कितना आता? पॉइंट टू फाइव आता. बराबर है? समझा कि नहीं सबको? बीटा आया. नेक्स्ट ए और सी क्या करता मैं, एक मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट फाइव प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट फाइव. बराबर ना? बोलो ना कितना आता ये, पॉइंट फाइव. इसमें कितना आता है? जीरो. मेरे को रिस्क लिमिट द रिस्क, मतलब रिस्क लेने का ही नहीं. कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज करो? ऑब्वियसली ना जिसका बीटा इज नहीं. तो अभी आया समझ में? ले रोहित अब मत पूछना. ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टीच. और ये नहीं समझ गया. नहीं पूछे? हाँ नहीं पूछूंगा. हाँ हाँ कर. मतलब 33 वैसे भी 32 के सबसे बड़ा सम. 35 से लास्ट सम. 35 से लास्ट सम. ओके दिवांशी, कैलकुलेशन में सबको समझ गया. चलो बोलो. मैं सब मस्त बैठेगा. मैं सर डी. क्या कर रहा है रोहित? ध्यान से पढ़ना सब. चरस प्रीमियम पूछा बस. तो रिस्क प्रीमियम तो फिर सर ए होना चाहिए. यस सर. 2.5 6% 8.5 बराबर ना? अरे दिस इज अरे डिफरेंस इज 2.5%. ठीक है चलो. इस प्रकार सेकेंड लास्ट सम खत्म हुआ. सुनो, इस प्रकार तुम्हारा बी वन खत्म हुआ. वी हैव सॉल्व विद द सम्स. ओके दोज हुआ सेटिंग माय डेमो लेक्चर, प्लीज इसके बाद मैं डेमो नहीं अलाउ कर सकता. आई कैन ओनली गिव यू टू लेक्चर्स. I will add you in a group once you pay the fees. इसके बाद अपन CMA US का जर्नी चालू कर सकते हैं. Okay, bye. See you on next Saturday with the video. ये बता दीजिए, वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ना? वो न्यू बैच. वीडियो बिना अपलोड किए मैं जाऊंगा ही नहीं. ये न्यू बैच मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? वो न्यू बैच कल डाला है मैंने. देखो ना, सेक्शन बी नाम का एक फोल्डर है, उसमें मैंने लिखा है. न्यू बैच करके लिखा हुआ है. हाँ सर, न्यू बैच सेक्शन बी नाम का एक फोल्डर है. लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है ठीक है, मैं दोबारा देख लूंगा सर. हाँ सर, अभी ये वीकेंड बैच नेक्स्ट वीकेंड ही होगा ना? नेक्स्ट वीक. हाँ सैटरडे. सैटरडे कल एक और चैप्टर चालू करता हूँ मैं, सेक्शन ए इन वीकडे बैच. सेक्शन ए ऑफ पार्ट 2. सर ये क्लास के सर, जो क्वेश्चंस है वो भी लोड कीजिएगा प्लीज. हाँ सर. हाँ सर, नेक्स्ट वीक वीकेंड को कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? B2 लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट. ओके राहुल, ये 2 लेक्चर हो गया आपका डेमो सेशन. हाँ सर. यस सर, आई नो. चलो बाय गाइस. बाय बाय बाय.